अभी मैं यहाँ अभी मैंने रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया है, तो ये रिकॉर्डिंग्स भी आपको हर एक सेशन की मिलती है। ये सब मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज वगैरह सारी चीजों पे बात करने वाला हूँ। मेन जॉब ये मैक्सिमम लोग ये क्लास जॉब के लिए करते हैं। सो आई थिंक लेट्स स्टार्ट द सेशन। इट्स 10:35 नाउ। और 3-4 लोग थे, मैं उनके लिए रुका था एक्चुअली। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। दिस वुड बी अ सेशन ऑन डिजिटल मार्केटिंग एंड ओवरव्यू ऑन डिजिटल मार्केटिंग, जिसमें ये सेशन के बाद आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी कि डिजिटल मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या है। सो एनीवन फ्रॉम यू पीपल वांट टू गिव अ ट्राई व्हाट एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल अबाउट। आपने कहीं तो भी इंक्वायरी किया होगा, आपने गूगल सर्च किया होगा, बराबर है? तो क्या समझ में आ रहा है आपको डिजिटल मार्केटिंग क्या है? एनीवन फ्रॉम यू पीपल फ्रॉम द ऑनलाइन बैक फ्रॉम द क्लासरूम, कोई भी बोल सकता है। मार्केटिंग इन डिजिटल मोड, परंतु मार्केटिंग इन डिजिटल मोड। ओके, सो अरोन जी यहाँ पे बोल रहे कि मार्केटिंग ऑन डिजिटल इन डिजिटल मोड। सो गाइस यहाँ पे एक डिजिटल मार्केटिंग में जाने के पहले हम लोग थोड़ा सा ट्रेडिशनल मार्केटिंग के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम आप बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग पे। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ। आई विल शो यू द एग्जांपल्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ट्रेडिशनल मार्केटिंग। जस्ट मैडम, हेलो अभिषेक, थोड़ा सा मैं कॉल करता हूँ। हेलो So guys, I come over here. This is यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत सारी होर्डिंग दिखाऊंगा। So guys, now I come over here. मैंने यहाँ पे आपके सामने कुछ ओपन किया है। सकाल पेपर, पेपर आता है आपके घर पे, न्यूज़पेपर आते हैं? न्यूज़पेपर्स में आप लोग, जैसे मैंने इस पेपर को ओपन कर लिया, ये पेपर का इमेज ओपन करने के बाद अगर आप देख रहे हो, इसमें आप लोगों को यहाँ पे ऐड दिखाई दे रहा है। कैन यू सी द ऐड कमिंग हो गया? यस नो? मैं यहाँ पे होर्डिंग्स निकाल देता हूँ। लिखने के बाद, होर्डिंग्स लिखने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो इस टाइप के होर्डिंग्स आपने देखा है। यस नो, सिटी में जाते हो होर्डिंग्स देखते हो आप लोग, अलग अलग होर्डिंग्स। ये देखो ओयो का, हाँ, साइज डज मैटर। यहाँ पे देखो ये अलग अलग होर्डिंग्स आप देख रहे हो। यहाँ पे ये मेट्रो ट्रेन्स चालू हो चुकी है, बराबर है? मेट्रो ट्रेन्स पे आप लोग इस टाइप के एड्स देख रहे हो। ये देखो ये मेट्रो ट्रेन है जिसपे आप लोग ये एड देख सकते हो। यस नो गाइस, फ्रॉम द ऑनलाइन बैच। ये देख सकते हो आप लोग, ये अलग अलग एड्स आप लोग देख रहे हो। यहाँ पे ये देख रहा हूँ मैं, बस स्टॉप्स है, बस स्टॉप्स पे जाते हैं, रुकते हैं हम लोग बस के लिए। बस स्टॉप्स पे आपने इस टाइप की अलग अलग एड देखी है, आना देखा? सो गाइस दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। गाइस दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। किसका एड चल रहा है अभी, ये देख सकते हो आप लोग इमेज, बजाज एलियंस का एड चल रहा है, बराबर है? अब बजाज एलियंस अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहा है, लेकिन वो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए ट्रेडिशनल वे यूज कर रहा है। होर्डिंग लगा रहा है, पेपर में एड डाल रहा है, हाँ, रेडियो पे एड दे रहा है, टेलीविजन पे एड दे रहा है, मैगजीन्स पे एड्स देखते हो आप लोग। जैसे किसी पार्लर में जाते हो, पार्लर में बैठे हो, आपका नंबर आने का, आप पार्लर में जैसे ऐसे ही मैगजीन देख रहे हो, हाँ, गार्नियर का एड दिख रहा है आपको, हाँ, मैगजीन में आपको लॉरेल पैलेस का एड दिख रहा है। ये सब तरीके जो है, होर्डिंग्स, पेपर, रेडियो, टेलीविजन, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है बहुत जगह पे, देखा आपने? ये सारी तरीके जो है ना, इन्हें ट्रेडिशनल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग। फिर डिजिटल क्या है? जैसे एरॉन ने यहाँ पे थोड़ी देर पहले बोला, एरॉन ने क्या बोला, डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली मार्केटिंग योर प्रोडक्ट्स ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या, ये क्या है? दिस इज मोबाइल फोन। मोबाइल पे मैं इंटरनेट यूज करता हूँ, इंटरनेट यूज करते वक्त मैं गूगल सर्च यूज करता हूँ, मैं इंटरनेट यूज करते हूँ फेसबुक यूज करता हूँ, मैं रोज मेरा जीमेल यूज करता हूँ, मैं यहाँ पर लिंक्डइन यूज करता हूँ, मैं बहुत सारी साइट्स को ब्राउज करता हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, मुझे देखना आज मार्केट क्या है, आज स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, उसके लिए मैंने कैसा वेबसाइट ओपन कर लिया, मैंने ओपन कर लिया कौन सा साइट, कौन सा ओपन किया, मनी कंट्रोल। कैन यू सी दिस गाइस? यस नो? फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, मालिनी, अमित, काजल, आरोन, दिखाई दे रहा है सबको? यस, यस यस परफेक्ट। यस मैंने ओपन कर लिया मनी कंट्रोल, और मनी कंट्रोल पे अगर मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, तो आप लोग खुद देख सकते हो यहाँ पे कुछ एड चल रहा है, स्टॉक टाइमिंग, हाँ, 10% बोनस, हाँ, 30 ब्राइट स्टार ऑफ द स्टॉक मार्केट, हाँ, कैनरा रॉकसेक फोकस इक्विटी फंड, यहाँ पे कुछ एड मुझे दिखाई दे रहा है। आई एम स्क्रोलिंग डाउन ओवर हियर, मैं स्क्रोल कर रहा हूँ यहाँ पे, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ ऐड चल रहा है। यहाँ पे आई एम स्क्रॉलिंग डाउन ओवर हियर, आई कम डाउन ऑन मनी कंट्रोल डॉट कॉम। मनी कंट्रोल अभी तक पूरा ओपन नहीं हुआ है, 1 मिनट, ये लोड हो रहा है अभी।
हाँ मैं यहाँ पे आता हूँ, अभी यहाँ पे तो मुझे कोई एड तो नहीं आ रही है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, किसी दूसरे साइट को ओपन कर लेता है। जैसे आई कम टू फेसबुक, आई कम टू फेसबुक और मैं फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहा हूँ। आई एम स्क्रॉलिंग ऑन फेसबुक, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ फेसबुक पे। आप सभी ने, आप सब लोग फेसबुक यूज करते हो। यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ फेसबुक यूज कर रहा हूँ, और फेसबुक में मुझे यहाँ पे कहाँ पे एड दिखाई दे रही थी, ये नया अकाउंट है इसके अंदर एड्स नहीं आ रही है। एक मिनट पीछे मुझे, एक मिनट कम हो। गूगल सर्च, मैंने गूगल सर्च पे टाइप कर लिया मुझे होम लोन लेना है, मैंने सर्च कर लिया होम लोन या फिर अप्लाई फॉर होम लोन, और एंटर करने के बाद में ये गूगल सर्च है। गूगल वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सर्च इंजन, हम जिसका मार्केट शेयर 95% से ज्यादा है। 95% से ज्यादा मार्केट शेयर का मतलब क्या है, जितने भी लोग सर्च इंजन यूज करते हैं उसमें से 100 लोग अगर यूज करते हैं उसमें से 95 लोग कौन से यूज करता है, गूगल। व्हाई? गूगल इज वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड ट्रस्टेड सर्च इंजन। मैंने गूगल पे सर्च कर लिया अप्लाई फॉर होम लोन, और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कौन सी बैंक है ये, कौन सी बैंक है ये बताइए, HDFC HDFC, और उसके ऊपर क्या लिखा है गाइस। sponsored. सिर्फ मतलब HDFC यहाँ पे गूगल सर्च में अपना खुद का एड रन कर रहा है। क्या रन कर रहा है? एड रन कर रहा है कौन सी कीवर्ड के लिए। कीवर्ड का मतलब होता है, कीवर्ड का मतलब होता है यहाँ पे जो कुछ आप टाइप करते हो उसे कहा जाता है कीवर्ड। वो अप्लाई फॉर होम लोन, HDFC होम लोन देती है, तो HDFC चाहती कि जो भी बंदा होम लोन ढूंढ रहा है उसको मेरा ऐड दिखे, ताकि वो बंदा मेरे पास आ जाए, मेरे पास लोन के लिए अप्लाई करे, और मैं मेरा लोन अगर उसको दे दूंगा तो मुझे उसमें से इंटरेस्ट मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो HDFC अपना ऐड यहाँ पर रन करा है। तो HDFC का ये ऐड रन करने वाला जो बंदा है ना, वो डिजिटल मार्केटर है। कौन है वो? वो डिजिटल मार्केटर है। तो HDFC में एक टीम होगा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैंडल करती है। HDFC की भी होर्डिंग्स देखते हो आप लोग, टेलीविजन पे ऐड देखते हो, रेडियो पे ऐड सुनते हो, तो वैसे ही HDFC के पास ऐसे लोग भी हैं जो उनके लिए इंटरनेट पे ऐड रन कर रहे हैं। HDFC के बाद अगर मैं स्क्रोल करता हूँ, या यस बस HDFC के बाद मैंने स्क्रोल कर लिया, ये देखिए ये किसका ऐड चल रहा है, ये कौन है, कौन सी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक। ICICI आई स्क्रोल डाउन, स्पॉन्सर्ड लिखा है यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कोई बंदा है जो उनके लिए ऐड रन कर रहा है। आपने सीखोगे ये टर्म गूगल पीपीसी, ये सुना होगा सिर्फ आपने अगर पढ़ा होगा तो, पीपीसी मतलब जो पेपर बंदा, क्लिक वेरी गुड यस, पे पर क्लिक। सो जो बंदा ये कैंपेन्स रन कर रहा है, जो बंदा HDFC के लिए यहाँ पे काम कर रहा है, वो ICICI के लिए काम कर रहा है, वो बंदा कौन है, गूगल एड्स एक्सपर्ट। कौन है वो? गूगल पीपीसी एक्सपर्ट बंदा है जो उनके लिए ये एड्स रन करके उनको वहां से बिजनेस ला के दे रहा है। लेकिन इन दोनों के बाद अगर आप देख रहे हो तो कौन रैंक कर रहा है, कौन है ये, कौन है, SBI. SBI। SBI का साइट रैंक कर रहा है, और SBI की रैंकिंग में लिस्टिंग में कहीं पे स्पॉन्सर लिखा है कि, लिखा है क्या, नहीं लिखा। नो नो तो नहीं, फर्क क्या है दोनों में, क्या फर्क है, क्या फर्क है, क्या आपको क्या लगता है? SBI ऑर्गेनिक है सर. परफेक्ट, SBI ऑर्गेनिक, मतलब SBI ने कोई भी पैसा पे नहीं किया है गूगल को, लेकिन वो टॉप पे कैसे आ रहा है, तो फिर टॉप में वेबसाइट आता कैसे गूगल की। और सबको ये तो पता होगा कि जब हम लोग सर्च करता है तो हम लोग नॉर्मली फर्स्ट सेकंड थर्ड लिस्टिंग पे ही क्लिक करते हैं, बराबर है। तो आज इतने लोग आप लोग डेमो के लिए आए हो, आपने गूगल पे कुछ सर्च किया होगा ना, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन पुणे, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग पुणे, उसके लिए हमारा वेबसाइट गूगल के टॉप में आया। आज मेरा वेबसाइट गूगल के टॉप में आ चुका है, जिसकी वजह से ऑनलाइन 20 लोग क्लास में, 4 से 5 लोग बैठे, 25 26 लोग क्यों आ चुके हैं, क्योंकि हमारा प्रेजेंस गूगल पे ऑनलाइन है। तो बंदा सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस इन पुणे, पुणे सर्च कर लिया, यस या क्लासेस पूरे सर्च करने के बाद अगर आप देख रहे हो यहाँ पे ये एड्स चल, ये सारे इंस्टीट्यूट अपने एड रन कर रहे हैं क्योंकि इनका रैंकिंग टॉप पे नहीं आ रहा है। यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये फर्स्ट सेकंड, ये देखो ये हमारा पोजीशन, यहाँ पे स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग आ रहा है। तो मैंने मेरी वेबसाइट को गूगल के सर्च में टॉप पे लाया, जिसकी वजह से लोग सर्च करते हैं ये क्लासेस के लिए, हमारा वेबसाइट गूगल में टॉप में दिख रहा है, वहां से लोग क्लिक करके हमारे वेबसाइट को इंक्वायरी करता है, डेमो के लिए आता है। तो फिर वेबसाइट टॉप में कैसे आता है, उसके लिए प्रोसीजर होता है, उसे कहा जाता है सर्च इंजन व्हाट, ऑप्टिमाइजेशन. which is called as SEO guys। तो आप लोग ये SEO यहाँ पे सीखोगे। गूगल पीपीसी वाला बंदा कौन है, देखो ये जो रन कर रहा है ना एड्स, ये सब एड चली ना, ये बंदा कौन है, गूगल पीपीसी वाला। अब यहाँ पे जैसे मैं फेसबुक पे आता हूँ, एक मिनट मैं इस अकाउंट में से लॉग आउट करता हूँ। फेसबुक गाइस, फेसबुक इज द वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर नेटवर्किंग साइट। तो मैं ये फेसबुक पे आता हूँ, लॉग आउट कर देता हूँ यहाँ से। अभी मैं फेसबुक पे, आपने बहुत एड्स देखी होगी, आप लोग इंस्टा यूज करते हो, आप लोग इंस्टा पे बहुत सारी एड्स देखते हो। एक मिनट,
मैं फेसबुक पे लॉग इन कर रहा हूँ मेरे अकाउंट में, फेसबुक पे लॉग इन कर रहा हूँ, तब तक मैं यहाँ पे मेरा जीमेल ओपन कर लेता हूँ। जीमेल ओपन कर लिया, जीमेल सब लोग यूज करता है, यस ओपन यूज करता हूँ। अब जीमेल में आता हूँ मैं मेरे गूगल के मेल बॉक्स में, और गूगल मेल बॉक्स में आने के बाद अगर मैं यहाँ पे मेरा खुद का मेल चेक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे प्रमोशंस, प्रमोशंस के टैब पे आता हूँ मैं, सबके इनबॉक्स आपके गूगल में ये प्रमोशन का मेल स्क्रॉल करता हूं मैं, स्क्रॉलिंग डाउन यहाँ पे चेक करूं ये किसका मेल आ चुका है, कौन सी कंपनी का है, कैनवा मेल, कैनवा मेल का सैनिक व्यूज और पॉप इवन, ये कुछ मेल उनकी तरफ से आया गाइस। बीच में देख सकते हो आप लोग क्या है, क्या ये गाइस, और क्या क्या है। यूनिवर्सिटी सो गाइस एमिटी यूनिवर्सिटी का ऐड, और सबने एमिटी का नाम सुना है ना, यस नो? तो एमिटी का अगर मुझे ऐड यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब एमिटी का काम कोई तो कर रहा है, यस नो? थोड़ी देर पहले यस मुझे एचडीएफसी यस का ऐड दिखा, आईसीएससी बैंक का ऐड दिखा, मतलब उनके लिए कोई ना कोई काम कर रहा है। एसबीआई का वेबसाइट गूगल में टॉप में आ रहा है, एसबीआई के लिए कोई काम कर रहा है, कोई भी कीवर्ड बोलो। वापस एक बार दिखा रहा हूँ, जो भी लोगों ने अभी ज्वाइन किया, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के एग्जाम्पल्स, पेपर एड्स, पेपर में ऐड देखते हो आप लोग ऐसी, हाँ यहाँ पे क्या है, ये क्या है, होर्डिंग्स दिख रहे हो अलग अलग, हाँ उसके बाद ये दिख रहे हो क्या, मेट्रो स्टेशन पे एड्स, यहाँ पे ये क्या है, बस स्टॉप पे एड्स देखते हो, ये सारे एग्जाम्पल्स है ट्रेडिशनल की। लेकिन यहाँ पे बजाज फिनसर्व अपना एड करा है, बराबर है, मैं अभी सॉरी मैं आता हूँ और सर्च करता हूँ अप्लाई फॉर व्हाट, यस कोई बंदा सर्च कर रहा है उसको पर्सनल लोन लेना है, गूगल पे सर्च कर लिया अप्लाई फॉर पर्सनल लोन, बताइए मुझे कौन सी बैंक अपना एड कर फर्स्ट पोजिशन पे, इंडिपेंडेंट IndusInd गाइस, IndusInd बैंक इज नॉट अ स्मॉल बैंक, ICICI बैंक इज नॉट अ स्मॉल बैंक। अगर ये लोगों की एड्स आपको ऑनलाइन दिख रही है, मतलब इनके पास लोग हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं, और इनके पास लोग हैं मतलब इनके पास ओपनिंग है। हाँ IndusInd बैंक के बाद कौन आ रहा है, पैसा बाजार, उसके बाद कौन है गाइस, बजाज ये देखिए बजाज, फिनसर्व अभी यहाँ पे बजाज फिंसर देख लिया, और ये देखो ये भी बजाज ही क्या है क्या, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, ये बजाज का ट्रेडिशनल मार्केटिंग है और ये बजाज का डिजिटल मार्केटिंग है, समझ में आ रहा है क्या? बिल्कुल तो गाइस दिस इज द डिफरेंस। अब आज की डेट में अप्लाई फॉर पर्सनल लोन के लिए ऑर्गेनिक में कौन है टॉप, ऑर्गेनिक मतलब क्या, बिना पैसे दिए, HDFC सो एचडीएफसी इज डूइंग एसईओ और गूगल पीपीसी, टेल मी हुई SEO एसईओ, दैट्स द रीजन दे आर ऑन द फर्स्ट पोजीशन। एचडीएफसी के बाद सेकंड कौन है गाइस, बजाज, बजाज फिनसर्व बजाज मतलब बजाज एसईओ भी कर रहा है और वो अपनी क्या कर रहा है, एड दोनों साइड से वो पुश कर रहा है यहाँ पे, अगर आप लोग देखोगे बजाज फिंसर यहाँ पे। मैं मुझे फ्लाइट लेना है, मुझे फ्लाइट लेना है, कहाँ कहाँ लेना है फ्लाइट बताइए आप, चलो बोला बोलो कुछ भी बोलो, हाँ स्विट्जरलैंड, हाँ ठीक है मैं यूरोप का, हाँ मैं बोलता हूँ यूरोप टूर क्या पैकेजेस, हाँ यूरोप टूर पैकेजेस बोल दिया, और किसका कार्ड चल रहा है बताइए आप लोग, बताइए थॉमस कुक थॉमस कुक किस कार्ड चल रहा मेक माय है, दीज आर बिग ट्रिप ब्रांड्स, यू हैव हर्ड द नेम ऑफ दिस ब्रांड्स, यस नो? तो गाइस यहाँ पे अगर आपके सामने दिखाई दे रहा है एड, मतलब गाइस ओपनिंग्स हर एक जगह आज के डेट में, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ई कॉमर्स इंडस्ट्री, मुझे बताइए अमेज़न का कहाँ पे दुकान है, बताइए अमेज़न का फिजिकल शॉप कहाँ पे, आप जहाँ पे जाके अमेज़न से प्रोडक्ट बाय करते हैं क्या, नहीं है सर फिर अमेज़न का बिजनेस कहाँ से आ रहा है, सो गाइस ऑनलाइन अमेज़न का 100% बिजनेस ऑनलाइन आ रहा है, मतलब समझ लीजिए आप लोग कि आज वो बीच में जेफ बेजोस पता है ना आप लोगों को, दुनिया का रिचेस्ट पर्सन बन गया था, कैसे बन गया वो, सब पैसे कहां से कमा रहा है वो, ऑनलाइन बिजनेस कमा रहा है वो, तो ऑनलाइन प्रेजेंस रखने के लिए उसके पास सोचिए डिजिटल का टीम कितना बड़ा होगा, क्योंकि उसका सारा सेल्स ऑनलाइन आ रहा है। मेक माई ट्रिप का कहां पर दुकान है, जहां से नहीं है, फिर मेक ऑनलाइन माई ट्रिप का बिजनेस आ रहा कहां से, पूरा कहां से आ रहा है, ये क्या है, ऑनलाइन आ रहा है यहाँ पे, बुक माई शो, अरे गदर टू मूवी आगे चल टिकट बुक करते हैं, बुक माई शो को रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, पूरा ऑनलाइन आ रहा है। सो गाइस दिस इज द प्रेजेंस, गाइस दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स डिमांड में बढ़ते ही जा रहे हैं, रीजन क्या है पता है, 5 6 साल पहले हम लोगों को महीने में 1 GB डेटा मिलता था, बराबर, रिलायंस जियो ने क्या किया, दिन का 1 GB लाया, दिन का 2 GB लाया, दिन का 3 GB लाया, अभी इंटरनेट इतना इजी हो चुका है, यूजर्स बढ़ गए, इंटरनेट यूजर्स, अब इंटरनेट यूजर्स बढ़ने लगे तो ये सारे बैंकिंग बैंकिंग इंश्योरेंस वाले लोग हैं ना, वो देखने लगे अरे मेरे कस्टमर्स तो सारे कहाँ पे, भी ऑनलाइन बहुत बैठता है,
ऑनलाइन बहुत टाइम बिताता है, तो फिर हम लोगों को ऑनलाइन प्रेजेंस रखना बहुत जरूरी है। तो फिर आईसीआईसी बैंक बता रही, कोई गूगल पे सर्च करेगा ना, अप्लाई फॉर होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, कार लोन, हम लोगों का वहां पे प्रोजेक्शन दिखना चाहिए। तो उसके लिए बुलाओ, बुलाओ लेके आओ डिजिटल मार्केटिंग जिसको आता है उसको बुलाओ, उसको हायर करो, उसको बोलो ये सब रद्द करिए हमारे लिए, तो वो डिजिटल मार्केटर्स होता है। यहाँ पे मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखाऊंगा, और गाइस ये डेमो है, तो डेमो में आपको एक ओवरव्यू आइडिया आएगा कि ऐसा मुझे सब कुछ समझ में आया, एक ओवरव्यू आ जाएगा जॉब्स क्या होता है, आपका प्रोफाइल क्या रहेगा, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, एड्स कौन सी टाइप्स की होगी, ये सब मैं आपको सर करूँ। सॉरी टू इंटरप्ट सर, एक डाउट है यस सर। अभी फॉर यू एग्जांपल एचडीएफसी बैंक है, ओके, एंड दे आर रनिंग एड्स ऑनलाइन, कैन और अभी स्पॉन्सर्ड में उनका फर्स्ट आता है सर्च इंजन पे, एंड इवन आस्क। ऑर्गेनिकली उन लोग का फर्स्ट आता है, तो इससे बेनिफिट क्या होता है उसको सर्च इंजन में? हाँ, सर्च इंजन बेनिफिट। अरे देखिए कैसे पता है कि यहाँ पर बहुत सारे ब्रांड्स जो होते हैं ना वो एड रिकॉल के लिए रन करते हैं कि बाबा किसी ने सर्च कर लिया अप्लाई फॉर पर्सनल लोन, भले उनका वेबसाइट गूगल सर्च में टॉप पे आ रहा है, वो तभी भी एड में भी अपना पैसा डाल के ना खुद का प्रेजेंस बढ़ाएंगे। मतलब पर्सनल लोन बोला तो एचडीएफसी 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 दिखना चाहिए, तो ये रीजन भी होता है, इसको चर्न एंड बर्न स्ट्रैटेजी बोला जाता है। तो किसी को जगह नहीं देने की, सभी जगह अपना ही प्लेसमेंट दिखाने का, तो बहुत सारी स्ट्रैटेजीज भी होती है जो आप लोग इसके अंदर सीखोगे। प्लस गूगल एड्स रन करके आप लोगों को उसका ऑर्गेनिक एसईओ में भी रैंकिंग के लिए थोड़ा बहुत बेनिफिट मिलता है, जो मैं आप लोगों को आगे कोर्स में बताऊंगा। यहाँ पे मैं ओके आता सर, हूँ, यहाँ पे आने के बाद आप देख रहे हो जीमेल पे एमिटी यूनिवर्सिटी का एड चल रहा है, मैंने क्लिक किया एड पे, ये देखिए ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम बाय एमिटी, मतलब एमिटी का एडमिशन चालू हो गया ना अभी, जून जुलाई में आ गया अभी, ये सब कॉलेज वाले, अभी मैं खुद ही डीवाई पाटिल का एड रन कर रहा था एमबीए के लिए। हाँ, ये ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम बाय एमिटी, और ये देखो अप्लाई लिखा है, लिखा है, मैंने क्लिक कर लिया और ये पहुंच गए हम लोग कहाँ पे, amityonline.com की साइट पे, जहाँ पे इमिडिएटली आते ही इंक्वायरी फॉर्म, आपका नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर दो, ताकि हम लोग आपको इमिडिएटली क्या करें, क्या करेंगे, कॉल कॉल करना शुरू करेंगे। सर तो यहाँ पे ये देखिए, ये आपको पेज दिखा है, यहाँ पे आता हूं मैंने बैक कर दिया मेल को, बैक करने के बाद स्क्रॉलिंग डाउन, किसका मेल आ गया, किसका मेल, स्पाइस जेट का मेल आ रहा है, सेल अलर्ट, स्पाइस जेट बोल रहा है सेल चालू हो चुका है, आपको टिकट बुक करनी है तो बुक कीजिए, 15 अगस्त का कुछ सेल था, 14 अगस्त से लेके 20 अगस्त तक का सेल है, आप लोग चेक कर सकते हो यहाँ पे। यहाँ पे देख रहा हूं मैं, अब स्पाइस जेट का आपको मेल आ रहा है, मतलब जरा पीपल जो स्पाइस जेट के लिए ईमेल करा है, ये देखिए कौन है, ये क्या चल रहा है एसबीआई का, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं, क्या हो रहा है ये क्या चल रहा है, रिटायर स्मार्ट बाय एसबीआई आ रहा है, एसबीआई का एड आपको यहाँ पे, और रिटायरमेंट के लिए वो प्लान बता रहा है, गेट कोट कैरी सीरियस, मैंने क्लिक कर दिया, ये पहुंच गए हम लोग स्मार्ट केयर डॉट एसबीआई की साइट पे, वापस वो आपको वही चीज, पूरा नाम आपका, मोबाइल नंबर, मतलब यहाँ पे लीड जनरेशन का काम चल रहा है, लीड लीड वर्सेस कन्वर्जन, क्या फर्क होता है, हु कैन टेल मी ओवर फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, एनीवन, अभिषेक, अविनाश, अमित, सर काजल, कन्वर्जन, राहुल, सर कन्वर्जन इज व्हेन अ क्लाइंट और अ प्रोस्पेक्ट विजिट्स अ वेबसाइट एंड कन्वर्ट्स इनटू अ रिकरिंग क्लाइंट, एंड लीड इज लाइक एक बोलते हैं ना कि टेलीफोन नंबर मिल गया, दैट इज लीड। गाइस व्हाट इज द लीड, व्हाट इज द कन्वर्जन, मैं एक बार आप सभी लोगों को बता देता, आरएन जी आपने बहुत सही बोला, लेकिन एक बार स्टूडेंट्स को हम लोग एक्सप्लेन करता है, आई कम अप हियर, मैं यहाँ पे आके बोलता हूँ अप्लाई फॉर होम लोन, अप्लाई फॉर होम लोन बोल दिया, और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स आपको दिखाई दे रही है। मैंने बजाज फिंसर, मैंने बजाज फिंसर की साइट पर क्लिक कर लिया, ये देखिए मैं यहाँ पे मैंने सर्च किया था अप्लाई फॉर होम लोन, अप्लाई फॉर होम लोन बोलने के बाद आई कम ओवर हियर, और मुझे यहाँ पे बजाज फिनसर्व का वेबसाइट आ रहा है, मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद आई कम टू द साइट, ये वेबसाइट पे आ गया मैं, ये लैंडिंग पेज पे आ गया, ये दिख रहा है क्या, अप्लाई नाउ, सीरियस बटन, अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद वो मुझे यहाँ पे पूछ रहा है आपका मोबाइल नंबर डालो, वो मुझे मोबाइल नंबर पूछेगा, नाम पूछेगा, क्या क्या पूछेगा, इट विल आस्क मी फॉर माय नेम, हाँ, इट विल आस्क मी फॉर ईमेल आईडी, इट विल आस्क मी फॉर व्हाट, फोन नंबर, ये जैसे मैंने एंटर कर दिया उस वेबसाइट पे जाके, मतलब उस वेबसाइट के लिए एक क्या जनरेट हुआ, क्या जनरेट हुआ, लीड जनरेट हुआ, लीड लीड जनरेट हो गया, मतलब यहाँ पे हुआ कैसे यार, ये कहाँ कैसे, यहाँ पे अगर आप देखोगे वेलकम ओवर हियर, तो वेबसाइट पे आके क्या हुआ, लीड जनरेट हो गया।
लीड जनरेट हो गया, मतलब वहां पे उनको हमारा नंबर, ईमेल आईडी, फोन नंबर मिल गया। अब उनका लीड जनरेट हो गया, अब उनका टीम जो है, कौन सा टीम पता क्या, सेल्स का टीम जो है ना, वो आपको कंटिन्यूसली क्या करना चालू करेगा, कॉलिंग चलना चालू, सेल्स वाला टीम कॉलिंग करेगा। और सेल्स वाले टीम का टारगेट होगा कि उस कस्टमर को कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट मतलब क्या, जैसे आप लोग सभी यहाँ पे डेमो के लिए आए, डेमो के लिए आए हो, मतलब आपने इंक्वायरी किया था, वो इंक्वायरी हमारे लिए लीड हो गया। आपको निकिता ने कॉल बैक किया होगा, डेमो के बारे में बताया होगा, पूरे कोर्स के बारे में बताया होगा, और उसके बाद आप लोग एक स्टेप आगे आगे आप बोले चलो डेमो तो देखते हैं। अब डेमो अगर आप लोगों को पसंद आ गया, डेमो लेने के बाद में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एडमिशन कितने होता है। यहाँ पे मान लीजिए तारिक जी ने आके एडमिशन कर लिया, मतलब उसने फीस पे किया, फीस जैसे एरॉन आपका पेमेंट आ चुका है, आपने एडमिशन लिया, हाँ वैसे यहाँ पे तारिक आती है या फिर यहाँ पे आरती आती है, उसने फीस पे कर लिया, उसको हम बोलेंगे क्या हो गया, कन्वर्जन। तो लीड इज कन्वर्जन बेसिकली अ प्रोस्पेक्ट, जो बंदा आपका प्रोडक्ट बाय कर सकता है उसको लीड बोलते हैं। कन्वर्जन मतलब जो बंदा आपका प्रोडक्ट बाय कर लिया, हाँ, उसको कन्वर्जन बोला जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, वो बोला गेट कोट, गेट कोट पे मैंने क्लिक किया और हम एसबीआई की साइट पे आ गए। और एसबीआई की साइट पे आने के बाद अगर आप चेक करो, एसबीआई भी आपसे नाम, मोबाइल नंबर और क्या मांग रहा है। तो यहाँ पे जैसे आपने ये इन्फॉर्मेशन फिलअप कर दिया, आगे वो आपको प्लान दिखाएगा और इमिजिएटली एसबीआई के सेल्स की टीम का आपको कॉल आ जाएगा कि यस मैम, सर यू आर लुकिंग फॉर अ प्लान, तो हमारे पास ये प्लान है, हम लोग एग्जीक्यूटिव को आपको आपके घर पे भेजते हैं। वो सारी डिटेल आपको एक्सप्लेन करेगा और वो एक्सप्लेन करने के बाद कंटिन्यूसली एसबीआई की कॉल, क्या हुआ मैम, क्या हुआ मैम, क्या हुआ मैम, आपके प्लान का, आपका प्लान लेना था। तो वो बंदी जो, वो जो सेल्स करने, वो जो कॉलिंग करने वाले लोग होते हैं ना, वो कौन होते, कौन सी टीम होती है, वो सेल्स वाली टीम होती है। तो एक होता है, पहले तो आप क्या करते हो, मार्केटिंग, मार्केटिंग करते हो और उसके बाद में फिर आता है सेल्स। सेल्स सिंपल सिंपल गाइस, अमेज़न का 15 अगस्त को एक सेल आने वाला है, एग्जाम्पल अमेज़न का 15 अगस्त को सेल आने वाला है, बिग बिलियन डे या फिर जो भी है। अमेज़न इस सेल के बारे में पहले क्या करता है, अमेज़न पहले उसका अवेयरनेस क्रिएट करना शुरू करता है। क्या अवेयरनेस, अवेयरनेस कैसे क्रिएट होगा, कोई भी आप में से, तुमसे ना क्या बोलो, असली श्याम, तुमसे चिन्मय, तुमसे रितेश रितेश, चिन्मय, असली श्याम, या फिर कोई भी फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, एरॉन, एनी अरेंजमेंट फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, अविनाश, अमित का, काजल, देविन, एनीवन, हम मनीषा, आप आपकी गाड़ी पे जा रहे हो, गाड़ी पे जा रहे हो और होर्डिंग देख रहे हो, अमेज़न बिग बिलियन डे, 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे, अच्छा दिख रहे हो गाड़ी में सीधे, ऐसे तो नहीं होता है, ले गाड़ी साइड में जरा 2 मिनट देखते हो होर्डिंग का, ऐसे कैसे वो है क्या, नहीं असली होता है, 2 सेकंड का आईबॉल होता है कि देख के चले गए। दूसरे दिन उसी रोड से आप वापस जॉब को जा रहे हो, वापस अमेज़न बिग बिलियन डे, हाँ, 2 बार देख लिया। उसके बाद में तीसरे चौथे दिन वीकेंड आ गए, वीकेंड में मतलब कार में दोस्तों के साथ जा रहे हो और रेडियो चल रहे, हे अमेज़न बिग बिलियन डे ऑफर आ रहा है, रेडियो पे सुना, अमेज़न, अमेज़न का होर्डिंग भी देखा था। उसके बाद यहाँ पे, हाँ अच्छा यार कितना लेट बैठिए, पहले 2 बार होर्डिंग देखा, तीसरी बार कार में जा रहे हो, कार में रेडियो पे सुन रहे हो अमेज़न बिग बिलियन डे, उसके बाद ऐसे ही फेसबुक पर बैठे हो, अभी आपने होर्डिंग देखा, रेडियो पे देखा, वो पूरा ट्रेडिशनल हुआ, आप ऐसे ही यूट्यूब देख रहे हो, यूट्यूब पे कोई गाना लगा रहे हो और गाने के पहले हे अमेज़न बिग बिलियन डे ऑफर आ रहा है, जैसे अमेज़न का ऐड अपने यूट्यूब पे देखा, वो हो गया डिजिटल प्लेटफॉर्म, कौन सा हो गया, डिजिटल प्लेटफॉर्म। उसके बाद में दूसरे दिन आपने पेपर ओपन किया, पेपर में फुल पेज ऐड, अमेज़न बिग बिलियन डे, वो हो गया ट्रेडिशनल। उसके बाद में आपने फेसबुक ओपन कर लिया, फेसबुक पे अमेज़न गिरा, वो हो गया डिजिटल। उसके बाद में आपने कैब में वापस होर्डिंग देखा, वो हो गया ट्रेडिशनल। उसके बाद में आपको ईमेल आ गया, अमेज़न बिग बिलियन डे, वो हो गया डिजिटल। अच्छा तो समझ में आ रहा क्या, अमेज़न 360 मार्केटिंग कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि उनका दुकान कहीं पे नहीं है, उसका सेल पूरा कहाँ पे होने वाला है, ऑनलाइन। तो फिर उसको सिर्फ एक एक चीज करनी, क्या करना है, क्या लोगों को सिर्फ पता चलना चाहिए कि अमेज़न का कब रहा सेल, 15 अगस्त को, तो वो 1 महीने पहले ही होर्डिंग, वेटिंग सब लगाना चालू करेगा, होर्डिंग, पेपर, होर्डिंग लगाया, पेपर लगाया, रेडियो पे दिया, टीवी पे दिया, ये सब ट्रेडिशनल। ईमेल आ रहा है, व्हाट्सएप आ रहा है, आपको फेसबुक पे ऐड दिख रहा है, आपको यूट्यूब पे ऐड दिख रहा है, ये सब हो गया डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज समझ में आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर पुणे में एक क्लब है, कौन सा, 2 BHK, 2 BHK में बीच में अरिजीत सिंह आया था, यस नो, आया था क्या, सब लोग हाँ हाँ बोल रहे, हाँ, हाँ उसके पहले, उसके बाद AR रहमान आया था, यस नो, हमें समझ में कैसे आया, क्योंकि
ये दोनों लोग आने के पहले उनके फेसबुक के पेज पे, उनके इंस्टा के अकाउंट पे होर्डिंग्स बिल्डिंग्स ये सब देखना चालू किया था आप लोगों ने। मतलब वो लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे थे कि अरे अरिजीत सिंह आ रहा है, आप लोग टिकट बुक करना शुरू करो, अवेयरनेस। तो आप लोगों को ये सारी चीजें यहाँ पे समझ में आई, अवेयरनेस क्रिएट किया, फिर लोगों ने इंक्वायरी करना शुरू किया मतलब लीड जनरेट, और फिर लोगों ने टिकट बाय करना शुरू कर दिया, हो गया कन्वर्जन। ये सारी टर्म्स आपको समझ में आए। आई कम ऑफ यर। अब मैं आता हूं मेरे फेसबुक अकाउंट पे, ये मेरा फेसबुक अकाउंट है और आप राइट साइड में देख सकते हैं कुछ लिखा है, क्या लिखा है? स्पॉन्सर लिखा है। स्पॉन्सर का स्पॉन्सर मतलब ये दो एड्स क्या चल रही है फेसबुक पे, एड्स। आप सभी एड्स इंस्टा यूज करते हो, सब लोग इंस्टा यूज करते हो, इंस्टा पे देख रहे हैं हम लोग, हमारा वॉल नहीं क्या, वॉल पे बीच में एड्स आती है, स्पॉन्सर लिखा होता है। हम लोग स्टोरीज देख रहे हैं लोगों की, स्टोरीज के बीच में आप लोग देखोगे तो एड्स आती है। ये फेसबुक पे मैं स्क्रोल कर रहा हूँ, आई एम स्क्रोलिंग डाउन ऑन फेसबुक, बाकी की विंडोज क्लोज कर देता हूँ। क्लोज हो रहा है, ये देखो ये स्क्रॉल कर रहा हूं मैं यहाँ पे, तो आप लोगों को गूगल सर्च तो दिखा दिया मैंने, ये गूगल सर्च, गूगल सर्च में आप लोगों को ये एड्स आ रही है। और कोई कीवर्ड बोल दीजिए। यस यू आर टॉकिंग, यस बस समझ, कोई भी कीवर्ड बोल दो। हाँ चलो फ्लाइट लेते हैं, फ्लाइट। हाँ पुणे दिल्ली फ्लाइट्स, हाँ सर्च कर लिया पुणे दिल्ली फ्लाइट्स। पुणे दिल्ली फ्लाइट सर्च करने के बाद ये देखिए क्या चल रहा है। हाँ ईज माई ट्रिप कार्ड आ रहा है, किसका? मेक माई ट्रिप कार्ड आ रहा है। और यहाँ से ऑर्गेनिक में कौन है, बस मेक माई ट्रिप। सेकंड में कौन है, यात्रा डॉट कॉम। थर्ड यात्रा में कौन है, क्लियर ट्रिप। फोर्थ में अगर ट्रिप देखोगे तो कौन आ रहा है, गो आई बी। तो आप लोग ये देख सकते हो ये सारी जो वेबसाइट्स गूगल के टॉप 10 में आ रही है, ये सब वेबसाइट्स क्या करिए आप, दोस ऑल वेबसाइट्स आर डूइंग व्हाट, व्हिच प्रोसेस, कौन सा एसईओ SEO। हाँ इसके पहले आपने क्या देखा, ईमेल मार्केटिंग भी देखा जिसमें मेल्स आ रहे हैं मुझे, गूगल पीपीसी तो आपने चेक किया, जो एड्स आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रही है टॉप में, ये एड्स को बोला जाता है गूगल पीपीसी। मैं फेसबुक ओपन कर लेता हूँ, फेसबुक पे ये देखिए तबूला क्या लिखा है, क्या लिखा है, स्पॉन्सर। ये कौन से टाइप के एड है मुझे बताइए, ये टेक्स्ट एड है, इमेज है या वीडियो है? इमेज है, ये इमेज इमेज एड है। स्टिल है ना, तो ये इमेज एड है। फेसबुक पे आप लोग अलग अलग एड्स होंगे, इमेज एड्स कैसे रन की जाती है, वीडियो एड्स कैसे रन की जाती है। आई एम स्क्रॉलिंग डाउन ओवर हियर, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रॉल कर लिया, ये एड है क्या? नो दिस इज नॉट द एड। ये देखिए ये चल रहा है, MSMEX क्या लिखा है, क्या लिखा, स्पॉन्सर। ये सर अगर देखोगे बिकम अ लिस्टेड कंपनी इन 2023 साइन अप, ये चल रहा है फेसबुक पे एड। आप लोग आई डोंट नो कितने लोग हैं यहाँ पे लिंक्डइन यूज करता है, हाउ मेनी पीपल यूज लिंक्डइन ओवर हियर, कोई भी नहीं फ्रॉम द ऑनलाइन बैच, कल्याणी सर, अकाउंट काजी और क्रिएट लालू किया ने। था, अकाउंट गाइस लिंक्डइन इज अ क्रिएट किया वेरी था। प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट, इफ यू पीपल आर मेकिंग प्लानिंग टू मेक अ करियर इन डिजिटल मार्केटिंग मेक श्योर यू हैव योर अकाउंट लिंक्डइन। बहुत सारे लोगों को बोरिंग लगता है ना, तो वो लोग ना सर कंटाए तो अरे लिंक्डइन क्या बोलने, ऐसा नहीं है, लिंक्डइन बहुत बहुत जबरदस्त नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है प्रोफेशनल्स के लिए। तो लिंक्डइन पे अगर मैं स्क्रॉल करता हूं, आई एम स्क्रॉलिंग ऑन लिंक्डइन, दिस इज माय लिंक्डइन अकाउंट गाइस, आई एम स्क्रॉलिंग डाउन ऑन लिंक्डइन, कैन यू सी दिस, कौन सी कंपनी अभी बताओ, ये कंपनी कौन सी, सीमेंस सिमेंस। गाइस सिमेंस का नाम प्रमोटेड सबने सुना है, सिमेंस का क्या चल रहा है, क्या लिखा है यहां पे, क्या लिखा है, प्रमोटेड प्रमोटेड, मतलब वो अपने इस कंटेंट को पैसे पे करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। मैं स्क्रॉल करता हूँ, स्क्रॉलिंग डाउन ओवर हियर, मैं और भी आप लोगों को दिखा सकता हूँ एड कॉपीज यहाँ पे। ये देखो अमेरिकन लर्निंग, ये कोई है भारतीय प्रबंधन, क्या दिख रहा है यहाँ पे, भारतीय प्रबंधन संस्था इंदौर आया मैंने ये, हाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर। ये क्या चल रहा है, क्या लिखा है, ये प्रमोटेड, मतलब ये जो कोर्स है प्रमोटेड वो प्रमोटेड कोर्स चल रहा है और ये उनका लैंडिंग पेज है, दिख रहा है क्या आप लोगों को, लैंडिंग पेज मतलब जिस पेज पे आप आते हैं उसे लैंडिंग पेज कहा जाता है। अब यहाँ पे आप लोग ये सारे प्लेटफॉर्म सीखोगे, फेसबुक पे एड्स कैसे रन की जाती है। आई कम ओवर हियर, फेसबुक पे एड्स कैसे रन की जाती है, इंस्टाग्राम पे आप लोगों ने देखी एड्स, इंस्टाग्राम फेसबुक के लिए कोई अलग प्लेटफॉर्म नहीं है, जो एड्स आप लोग इंस्टा पे देखते हो वही एड्स फेसबुक के थ्रू ही रन की जाती है। गाइस यू सी अ लॉट ऑफ एड्स ऑन व्हाट, यूट्यूब, सब लोग यूट्यूब पे एड्स देखता है, बहुत बार हम लोग एड्स को स्किप करता है। तो यहाँ पे अगर मैं यूट्यूब पे आ जाता हूँ, आई कम टू यूट्यूब, यूट्यूब पे आने के बाद अगर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, इसको बंद कर देता हूँ, यूट्यूब पे आता हूँ मैं, ये देखिए ये चेक कीजिए ये क्या चल रहा है, क्या लिखा है,
क्या हेलो रेंट लिखा, ये कोई गेम है उसका कुछ ऐड दिखा रहे हैं यहाँ पे। आई कम अप हियर और मैं सर्च करता हूँ यहाँ पे व्हाट इज फ्यूचर एंड ऑप्शन इन स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग। मैंने व्हाट इज फ्यूचर एंड ऑप्शन इन स्टॉक मार्केट बोल दिया और सर्च कर लिया यूट्यूब पे। और ये देखिए आप लोग यूट्यूब पे लर्न माय सीक्रेट ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी टू कंसिस्टेंट रिटर्न गिविंग। क्या चल रहा है, क्या चल रहा है ऐड। और देखिए मैं जो सर्च कर रहा हूँ, मैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड कुछ सर्च कर रहा हूँ और उसके रिलेटेड ही आ रहा है। रेलेवेंसी चेक कीजिए, रेलेवेंसी कितना। यहाँ पे आता हूँ, अब मैं इस बंदी का वीडियो ओपन कर लेता हूँ, पुष्कर राज ठाकुर। अब ये बंदी का वीडियो टॉप में कैसे आ रही है यूट्यूब, ये कैसे डिसाइड हुआ, कैसे मतलब यहाँ पे यूट्यूब पे भी कुछ रूल्स है जो आपको मेंटेन करने पड़ते हैं, तब जाके आपका वीडियो टॉप में आता है। और जिसका वीडियो टॉप में आएगा उसको व्यूज बहुत मिलते हैं और फिर वो अपने वीडियोस में से अर्न करना शुरू करता है। आपने सुना होगा हम लोग अमेजोन से पैसे कमा सकते हैं, हम लोग यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं, तो उसके लिए मेहनत बहुत लगती है। कॉन्टेंट क्रिएटर्स बोलते हैं उसको। कॉन्टेंट क्रिएटर्स कौन होता है, जैसे पुना का वो अथर्व सदामा सदामे सुदामे, वो कंटेंट क्रिएटर हो गया। वो कुछ फनी वीडियोस बनाता है और इंस्टाग्राम पे डालता है, लोगों को पसंद आना शुरू हो गया, लोग उसको फॉलो करना शुरू कर रहा है, उसका फॉलोअर्स का लिस्ट बढ़ गया। फिर कोई इंस्टीट्यूट वो बोलता है अरे अथर्व सुदामे को पुणे में तो इतने लोग फॉलो करता है, अगर मैं अथर्व सुदामे को बोलता हूँ मेरे प्रोडक्ट को प्रमोट कर तो उसके थ्रू हमारा प्रोडक्ट इतने लोगों तक पहुंच सकता है, फिर वो लोग उसको पे करेंगे और अथर्व सुदामे का वहां से रेवेन्यू आना शुरू हो जाएगा। तो वैसे ही यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो ये बंदा जो है पुष्कर राज ठाकुर, अब ये पुष्कर राज ठाकुर का वीडियो देखना है मुझे और उसके वीडियो को मैंने प्ले किया। और वीडियो प्ले होने के पहले आ, आप ही देखिए ये क्या रहा है, I'm Sandeep. क्या रहा है I'm the ये co-founder of आपके Reserve. सामने Reserve's team of experts has created a free portfolio review app called the Wealth Monitor. The Wealth अगर आप Monitor. चेक करते हो पुष्कर राज के वीडियो के पहले आ रहा है बड़ा। क्या हमें कौन सा वीडियो देखना है, पुष्कर राज का फ्यूचर ऑप्शन का वीडियो देखना है, लेकिन उसके वीडियो के पहले यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो एड आ रहा है। ये एड आ रहा है मतलब इस एड में से जो भी रेवेन्यू आएगा ना उसमें से कुछ पार्ट किसको मिलेगा, पुष्कर को मिलेगा। राइट साइड में आप लोग देख सकते हो इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग ट्रेडिंग एकेडमी विद ओवर 22,15,000 एप्लीकेशन। सारी स्टॉक मार्केट की ऐड दिख रही क्योंकि यूट्यूब ने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि सामने वाला बंदा देखना चाहता है स्टॉक मार्केट, तो उसको सारी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड ये ऐड दिखाओ। ये ऐड भी अगर आप लोग देखोगे तो ये ऐड आए होंगे कौन सा है? मॉनिटर ऐप गिव्स यू एक्शनेबल इनसाइट्स टू इंप्रूव योर रिटर्न्स बाय ये देखो ये भी रिटर्न्स की बारे बात कर रहा है, मतलब ये भी स्टॉक मार्केट की ऐड। अब ये यूट्यूब की ऐड कैसे चल रही है, यूट्यूब की ऐड इस वीडियो के पहले कैसे आ रही है, ये कैसे टारगेट किया जाता है, ये सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे सिखाया जाएगा। टीजी मतलब क्या होता है, व्हाट इज टीजी इन मार्केटिंग। टीजी मतलब आपका टारगेट ऑडियंस, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बोल देता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आप लोगों को टारगेट ऑडियंस क्या होता है। एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, आप सबको अब सब आपके घर में ना छोटे बच्चे रहेंगे ना तो बोले कि कार्टून देखते हैं, कौन सा डोरेमोन डोरेमोन देखते हैं, पोपली वाला बंदा होता है। डोरेमोन कार्टून चैनल, आप लोग एक काम कीजिए आप आज जाके डोरेमोन कार्टून देखिए 15 मिनट, और वो डोरेमोन कार्टून के अंदर ना बीच में एड्स आती है, बरबर क्या जैसे डोरेमोन कार्टून के बीच में एड्स आएगी ना, वो एड्स किस टाइप की रहेगी पता है क्या आपको, और चॉकलेट खाओ, चिंगम खाओ, चुपा चुप्स गोलियां, ओरियो बिस्किट, इसके बारे में एड्स आएगी। क्यों, अभी छोटा बच्चा है, चिंगम देखेगा, वो लॉलीपॉप देखेगा, फिर देखेगा लेज वगैरह, हाँ रफल्स विफल्स कुछ, और वो दुकान में जाएगा ना वही मांगेगा। तो जो कंपनी है ना बूमर बेच रही है या कोई चिंगम बेच रही है, उनको पता है अपना प्रोडक्ट बाय खाने वाले कौन है, छोटे बच्चे हैं। वो क्या देखता है, वो देखते हैं डोरेमोन, डोरेमोन के इसमें ऐड है। लेकिन मैं सुबह देखता हूँ मार्केट, अरे मार्केट में क्या चल रहा है, स्टॉक मार्केट में मैं स्टॉक मार्केट देख रहा हूँ और बीच में आ रही चिंगम खाने का क्या, गोलियां खाने की क्या, ये ऐड चलेगी वहां पे नहीं। स्टॉक मार्केट के चैनल पे कौन सी आ रही है, उनको पता है यहाँ पे कौन आते हैं, इन्वेस्टर्स आते हैं। मुंबई एयरपोर्ट के बाजू में हो रहा है प्लॉटिंग, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स आ रहे हैं, आईसीआईसीआई का तो आईपीओ आ रहा है, गोल्ड में इन्वेस्ट करो, सब इस टाइप के एड्स आप लोगों को सीएनबीसी पे देखेंगे। क्यों, क्योंकि वहां पे कौन होता है, सारे इन्वेस्टर्स। मैं आपको एक रियल टाइम एग्जाम्पल बोलता हूँ, लॉकडाउन के पहले की बात है, हमारा विमान नगर का ब्रांच था, मैं विमान नगर की ब्रांच में जा रहा था, बाइक पे ही जा रहा था, और कोरेगा पार्क को जाते हो, दो पेट्रोल पंप है वहां से अंदर जाते हैं और आगे लगता है वो कौन सा होटल, बड़ा कौन सा होटल है वो चौक में मोटा, वो अविनाश भोसले का होटल है कौन सा, हाँ वेस्टिन, कौन सा वेस्टिन होटल है वो, वेस्टिन के चौक में रुका था, वेस्टिन के चौक में रुका था मैं, और मैंने ऐसा होर्डिंग देखा तो रेंज रोवर गाड़ी का होर्डिंग था, रेंज रोवर का गाड़ी का कीमत कितना है, 50-55 लाख का गाड़ी। यहाँ पे देखा रोहन अभिलाषा कोई तो बिल्डिंग था, 1.5 करोड़ का प्रोजेक्ट, उसके बाजू में ऋतिक रोशन का वो घड़ी का ऐड था, कौन से घड़ी का ऐड करता है ऋतिक रोशन, बहुत महंगा घड़ी था वो। मैंने तीन ऐड देखी, और राडो राडो रेडो 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 का ऐड देखा था, वेरी गुड, रेडो का ऐड, रेंज रोवर का ऐड, 1.5 करोड़ प्रोजेक्ट का ऐड। और उस समय मुझे याद है उस समय ना वो रंग पंचमी, रंग पंचमी
वो थी, वो होटल है ना इसका, मैरिट मैरिट का कौन सा था, वेस्टिन का एड लगा था, वेस्टर्न होली खेलने वेस्टिन में। अब मुझे बताइए कोरेगा पार्क जैसे लोकेशन में उन्होंने एड कैसे लगाए, रेंज रोवर 1.5 करोड़ का फ्लैट, होली खेलने के लिए वेस्टिन, उसके बाद में खड़ी कौन सी राइडो की 20-25 हजार की रेंज से शुरू होती है। ऐसी एड्स आप लोग कोरेगा पार्क में देख रहे हो, ऐसी एड्स आपको स्वारगेट में कभी नहीं दिखी, नहीं दिखी क्यों, क्योंकि कोरेगा में आने वाला क्राउड जो है ना वो वैसा। तो आप लोगों को ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है मार्केटिंग में कि किसको क्या दिखाना है, ये आप लोग सीखोगे। उसको बोला जाता है क्या, व्हाट, टारगेट टारगेट ऑडियंस। ऑडियंस। तो ये आप लोग सीखेंगे। अभी मैं बीच में एक कैंपेन रन कर रहा था, मैं आप लोगों को 1 मिनट दिखाता हूँ, जस्ट गिव मी मिनट। डीवाई पाटिल कॉलेज सभी सुना है? यस नो गाइस? तो यस यस, डीवाई यस पाटिल कॉलेज के लिए हम लोग यहाँ पे कैंपेन रन कर रहे थे। अभी आज की डेट में ऐसे हो चुका है ना, ये क्या होता है बताइए, कॉलेजेस जो होते हैं ना, कॉलेजेस क्या करता है, इसमें से लॉग आउट करता हूँ, खुद मार्केटिंग नहीं करते, बिल्डर्स भी क्या करते हैं, रियल एस्टेट वाले बिल्डर्स क्या करो, करो सर्च 2 BHK फ्लैट्स इन हिंजेवाड़ी। हाँ, 2 BHK फ्लैट्स इन हिंजेवाड़ी सर्च कर लिया, और सर्च करने के बाद आप लोग ये देखिए क्या चल रहा है, TCG, हाँ क्लिप गार्डन क्या चल रहा है, स्पॉन्सर्ड एड लोधा क्या चल एड रहा है, स्पॉन्सर्ड कोलते पाटिल क्या चल रहा है, स्पॉन्सर्ड, और ये कौन आ रहा है फर्स्ट एड पे, कौन है फर्स्ट पे, 99acres आ रहा है। एड तो ये सब जो एड रन करने कौन लोग बैठे हैं यहाँ पे, सब गूगल एड्स के एक्सपर्ट बैठे हैं जो रियल एस्टेट में लोगों को हेल्प करे लीड्स निकालने के लिए। मैं अब यहाँ पे आता हूँ, आई कम ओवर हियर, मैं इसमें से लॉग आउट कर लेता हूँ विंडो में से। अभी मैं कुछ दिनों पहले कैंपेन रन कर रहा था, किसके लिए रन कर रहा था, मैं डीवाई पार्टी, और डीवाई पाटिल का जो कैंपेन मैं रन कर रहा था, उस कैंपेन का जो जो कॉलेज का एडमिशन MBA, वो MBA ऑनलाइन था, कौन सा MBA था वो, ऑनलाइन कॉलेज में जाके बैठो और पढ़ो, वैसे MBA नहीं था। अब ऑनलाइन MBA करने वाले लोग कौन होते, तो मैं थोड़ा सोचता हूँ, इसको स्ट्रैटेजी बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे कॉलेज के साथ डिस्कस किया कि नॉर्मली आपके MBA ऑनलाइन करने वाले लोग कौन होते हैं, तो वो बोले ऑनलाइन MBA करने वाले लोग वो होते हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल होते हैं, जिनको पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, ग्रोथ के लिए एक डिग्री नहीं किया। जैसे यहाँ पे लेट्स टेक एन एग्जांपल, भाग्यश्री आप किसी कंपनी में मार्केटिंग की प्रोफाइल पे काम कर रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग की प्रोफाइल पे, लेकिन आप जस्ट बीकॉम ग्रेजुएट हो, आपको ऐसा लग रहा है अरे मैंने एक MBA मार्केटिंग का डिग्री ले लिया तो मुझे और एडिशनल ग्रोथ मिल जाएगा, तो फिर आप बोलते चलो मैं कहीं से भी एक MBA ऑनलाइन कर लेती हूँ जस्ट एक सर्टिफिकेट के लिए। तो वैसे ये MBA ऑनलाइन कोर्स था, तो मेरा टारगेट ऑडियंस था वर्किंग प्रोफेशनल्स। अब MBA ऑनलाइन कौन करेगा ज्यादा, के पीपल वर्किंग विद IT कंपनीज, बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्टर्स में काम करने वाले, बड़े बड़े बैंक के साथ काम करने वाले, ऐसे लोग MBA मार्केटिंग कर सकता है। तो मैंने यहाँ पे एक कैंपेन रन किया था, मैं आपको कैंपेन दिखाऊंगा फेसबुक का। और मैं आप लोगों को दिखा दूंगा, अभी आप लोग फेसबुक किस चीज के लिए यूज करते हो, फेसबुक आप लोग जस्ट टाइम पास फन के लिए यूज करते हो, कमेंट करना, फोटोज ऐड करना, वीडियोज ऐड करना, लेकिन फेसबुक आप लोग बिजनेस के लिए कैसे यूज करोगे। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो, मेरे पास यहाँ पे कुछ कैंपेन, मैं कुछ कैंपेन डिलीट कर दूंगा इसमें से, 1 मिनट आई कम हो गया, मैंने यहाँ पे बोल दिया शो मी द डेटा फॉर मैक्सिमम टाइम। अब ये चेक कर सकते हो आप लोग, ये DY पाटिल दिख रहे हो आप लोग, दिख रहा है आपको DY पाटिल, हाँ हाँ ये DY पाटिल कॉलेज के लिए मैंने यहाँ पे कैंपेन रन किया था, और DY पाटिल मुझे यहाँ पे एक एडमिशन के पीछे 20% दे रहा था। कितना एडमिशन का जितना कॉस्टिंग होगा ना, मान लीजिए 1.5 लाख रुपए फीस है MBA का, तो 1.5 लाख का एडमिशन अगर मैंने DY पाटिल को दे दिया तो 1.5 लाख का 20% मतलब 30,000 मुझे एज अ कमीशन मिलेगा। मतलब DY पाटिल को मार्केटिंग का कुछ भी पढ़ा नहीं, उसने बोला आप एडमिशन लेके आओ, बिल्डर रियल एस्टेट में भी ऐसी है, रियल एस्टेट में अभी आपको फ्लैट बाय करना है, मैं आपको लेके जाता हूँ बिल्डर के पास, बिल्डर को सैन को बोलता हूँ मैं फ्लैट में लेके आया, कस्टमर को मैं लेके आया, बिल्डर बोलता है ठीक है चले। जैसे आपने बिल्डर को पेमेंट कर दिया, 50 लाख का फ्लैट आपने बाय कर लिया, बिल्डर 2 लाख, 2% हो गया कितना, 1 लाख, 1 लाख रोहित को कमीशन दे दे, सिंपल है। बिल्डर का मार्केटिंग कॉस्ट बच गया ना सारा का सारा आपको। तो ये सभी जगह ऑफर ओपन है, आप मुझे स्टूडेंट लाके दो, मैं 20% देता हूँ आपको, मेरा मेरा बच गया ना मेहनत, समझ में आ रहा क्या। तो सब साइड से विन विन सिचुएशन, आप लोगों को भी कमीशन मिलेगा, मुझे भी रेडीमेड स्टूडेंट्स मिलेंगे, तो ये सभी जगह चलता है, इसको एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, अमेजोन अफिलिएट सबसे ज्यादा ये करता है, मार्केटिंग। यस अमेजोन सबसे ज्यादा इसमें से पैसे कमाता है, अमेजोन बोलता है मेरा प्रोडक्ट बेच के दो आपको, तो आपको कमीशन देता हूँ, फिर आप एक ब्लॉग बनाओगे, हाँ बेस्ट गिफ्ट फॉर किड्स, फिर उसके लिए आपका ब्लॉग टॉप में आएगा, और उसके ऊपर आप शायद अमेजोन के प्रोडक्ट्स दिखाओगे,
और अमेजोन का प्रोडक्ट जो भी बंदा बाय करेगा आपके वेबसाइट के थ्रू, आपको अमेजोन क्या पे करेगा, कमीशन पे करेगा। जैसे सैलरी आती है ना, वैसे हर महीने आपको कमीशन आएगा। उसे कहा जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। कोई भी नाइकी, पुमा, एडिडास, कोई भी ब्रांड लो, हर एक ब्रांड एफिलिएट मार्केटिंग करता है। मेरा प्रोडक्ट बेच के दो, मैं आपको उसके ऊपर कमीशन दूंगा। ये ऐसे चलता है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं डीवाई पाटिल के लिए एड रन कर रहा हूं, और ये देखिए ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, कुछ पढ़ने आ रहा है आपको, क्या लिखा है ये 32, क्या लिखा है, क्या लिखा है ये लीड्स। तो मैंने यहाँ पे एमबीए कॉलेज का या एमबीए ऑनलाइन के लिए एड रन किया था। ये देख सकते हो, आपको डेटा इमीजिएटली समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करता हूँ। ये है क्या, क्या ये क्या लिखा है, फेसबुक पे मैं एड रन कर रहा था डीवाई पाटिल का, जो एड 43,000 टाइम्स फेसबुक पे दिखाया गया, और 26,928 क्या लिखा, क्या लिखा, मतलब इतने लोगों को एड दिखा। आपका नाम क्या है, महेश्वरी, महेश्वरी आपको फेसबुक पे मेरा एड, हमारे इंस्टीट्यूट का एड 3 बार दिखा, आपको अकेले को 3 बार दिखा, तो इंप्रेशन 3 लेकिन रीच 1। आपका नाम क्या है, दीपक, दीपक जी को हमारा एड 2 बार दिखा, आपको 3 बार दिखा, मतलब टोटल इंप्रेशन 5 लेकिन रीच 2। तो वैसे दिखा रहा 43,000 टाइम्स द एड वाज शोन, एंड द एड रीच्ड अप टू 26,000 पीपल ऑन फेसबुक। और इतने लोगों को पहुंचने के बाद 32 लोगों ने हमारे एड पे आके इंक्वायरी फॉर्म फिलअप किया। कितने लोगों ने, 32। अब ये कैंपेन को मैंने क्लिक कर लिया, कैंपेन ये SGBO करके एक राजस्थान का यूनिवर्सिटी, उसके लिए भी रन किया था हमने। 32 लीड्स दिखाई दे रहा है आप लोगों को यहाँ पे, और मैं इसको एडिट करता हूँ, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया आएगा कि मैंने फेसबुक पे ये एड किसको टारगेट किया था। मैं सब दिखाऊंगा आप लोगों को, तो आप लोगों को एक आइडिया आ जाएगा। फेसबुक तो हम लोग जस्ट फन के लिए यूज करते, लेकिन कितनी सारी चीजें हैं इसमें। आई स्क्रोल डाउन, आफ्टर स्क्रोलिंग डाउन कैन यू सी दिस, मेरा रोज का बजट कितना था, कितना 500। स्क्रोल करने के बाद मैं एड कहाँ कहाँ पे दिखा रहा था, दिख रहा है यहाँ पे निकिता एज देखिए 24 to 42। एक बड़ा देखिए था ये अभिषेक जी बोल के तरह मैं तुम्हें या 12-15 किलो कोड जॉब गाड़ी के, ये एज 24 to 42, और किसको ऐड दिखा रहा था मैं, पीपल वर्किंग विद सारी कंपनीज। अभी यहाँ पर एग्जांपल, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये कैसे टारगेटिंग होता है। जैसे काजल है, कल्याणी है, मालिनी है, मनीषा है। कल्याणी, आपने आपके प्रोफाइल में फेसबुक पे लिखा है कि यू वर्क विद ICICI बैंक, डेट ऑफ बर्थ आपका होता है फेसबुक के पास, आप कहाँ पे चेक इन करते हो, जेंडर होता है, सब कुछ होता है उसके पास। तो मैंने यहाँ पे फिल्टर्स डाला है कि मेरी एड उन सबको दिखाओ जिन्होंने अपने प्रोफाइल में क्या लिखा है, क्या कहाँ पे काम करते हैं, अमेज़न इंडिया। तो आपने लिखा आपके प्रोफाइल में आप अमेज़न इंडिया में काम करते हो, आपका एज 24 और 42 के बीच में, और आपने आपके लोकेशन में डाला है क्या दिल्ली, तो मेरी एड आपको दिखना शुरू हो जाएगी, क्योंकि मैंने जो क्राइटेरिया दिया है वो सारा आपको मैच हो रहा है। तो ये फेसबुक पे मैं इस तरीके से टारगेटिंग कर रहा था। यहाँ पे आने के बाद अगर आप देखोगे तो आगे ये हमारी एड कॉपीज दिखाऊंगा, यहाँ पे आता हूँ मैं, डीवाई पाटिल, डीवाई पाटिल का ये मैंने क्लिक कर लिया। ये देखिए एड कॉपी कैसे बनाया था मैंने, एड कॉपी पे क्लिक किया, ये देखिए ऐसी हमारी डीवाई पाटिल की एड्स फेसबुक पे दिखाई दे रही थी आपको, दिखेगा यहाँ इस तरह के एड्स देखते हो आप लोग फेसबुक पे, आती है ऐसे एड्स फेसबुक के कहाँ पे फीड में, ये इंस्टाग्राम फेसबुक मार्केट प्लेस, ये दिखाई दे रहा है, वीडियो एक्सप्लोर, आई एम स्क्रॉलिंग डाउन, स्टोरीज दिख रहा है क्या, स्टोरीज में ऐसी एड्स आती है। तो ये सारी एड कॉपी, ये एड कॉपीज के लिए इमेज लगा मुझे, फिर इमेज मैं खुद नहीं क्रिएट करता हूँ, इमेज क्रिएट करने के लिए मेरे पास ग्राफिक डिजाइनर का एक बंदा है, उसने मुझे ये इमेज क्रिएट करके दिया था। आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे आप लोग AI के अलग अलग टूल्स भी हम लोग सिखाएंगे जो हमने अभी एड किया है। AI के बहुत सारे टूल्स अभी बहुत पॉपुलर है, जैसे सबसे पॉपुलर है ChatGPT, गूगल बार्ड, कॉपी AI, यहाँ पे AI डिटेक्टर, जनरेटर, ये सारे टूल, जैसे ये ChatGPT है, ChatGPT टूल को हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं हमारे खुद के टॉपिक्स के लिए। जैसे मुझे यहाँ पे
डीवाई पटेल के लिए ऐड करना है क्रिएट, डीवाई पटेल के ऐड के लिए हम लोग टेक्स्ट लिखना पड़ता है, ऐड का हेडलाइन लिखना पड़ता है। तो मैं चैट जीपीटी का यूज करके आपको दिखा रहा हूं, मैं यहाँ पे चैट जीपीटी को बोलता हूं, चैट जीपीटी को यहाँ पे आके बोलता हूं प्लीज राइट अ ऐड हेडलाइन फॉर डीवाई पाटिल एमबीए ऑनलाइन कोर्सेस फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स विथ अ स्मॉल एड डिस्क्रिप्शन। हाँ बोल दिया मैंने इसको, और ये क्या बोल दिया गो। अब वो आपके लिए यहां पे एड कॉपी बनाएगा, ये ना क्या हो रहा है। इसके जैसे और भी बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे ये कौन सा कॉपी आया है, गूगल का बार्ड सुना है आपने, मैं गूगल बार्ड कर रखा हूँ उसमें ऊपर जो शो आ रहा है, ये गूगल बार्ड है। आपने ट्राई किया किसी ने गूगल बार्ड वगैरह? यस तो गाइस, नहीं किसी ने ट्राई किया? गूगल बार्ड बहुत अच्छा है। यस हाँ, अब मैं यहाँ पे आके उसको बोलता हूँ प्लीज हरी प्लीज राइट एन एड कॉपी फॉर एमबीए ऑनलाइन, एमबीए मार्केटिंग ऑनलाइन फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स फॉर डी वाई पाटिल कॉलेज एंड अ स्मॉल एड डिस्क्रिप्शन। अब ये देखिए वो बना रहा है, तेरा संग घरून गाड़ी की चाबी खींची वो बना रहा, टाइम दे रहा है 2 मिनट। आई डू नॉट हैव इनफ इंफॉर्मेशन। अभी यहाँ पे इसके लिए ना चैट जीपीटी सबसे अच्छा है यार, लेकिन चैट जीपीटी को क्या इशू आ रहा है। हाँ, नहीं जो जो चैट बॉक्स के लिए यूज किया था ना उसका पूरा हिस्ट्री आता है, लेकिन ना ऐसा ना यूआई सही जा रहा है, थोड़ा सा गड़ला है। गाइस इसमें कुछ इश्यू आ रहा है, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, तब तक मैं बाकी के टॉपिक्स दिखा देता हूँ आप लोगों को। अभी यहाँ पे ट्रेडिशनल मार्केटिंग में अगर आप लोग देखोगे तो आप लोगों ने मान लीजिए कहीं पे होर्डिंग लगा दिया, तो आप लोगों को उसका एनालिटिक्स मिलेगा क्या? एनालिटिक्स मतलब क्या कि वह कितने लोगों ने आपकी होर्डिंग को देखा, कौन से एज के लोग थे, कौन से जेंडर के लोग थे, ये सब मिलता है क्या आपको? तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे एक ऐसा टूल है जिसका नाम क्या है, गूगल एनालिटिक्स है, जिसमें आप लोगों को हर एक चीज समझ में आती है, यूजर का पूरा बिहेवियर। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा हूँ, गूगल के ये फ्री टूल है जो आप लोगों को दिखाता है कि वेबसाइट पे कितने लोग आ रहे हैं, कौन सी एज के आ रहे हैं, कौन सी जेंडर के आ रहे हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई देता है। गाइस इस कोर्स के लिए आप लोगों को टेक्निकल नॉलेज की कोई भी जरूरत नहीं है, आप लोग बीए भी रहोगे तो भी चल जाएगा, बीकॉम भी रहोगे तो चल जाएगा। बेसिक्स एचटीएमएल जो होता है वो हम लोग यहाँ पे कवर करता है, हम लोग हर एक बैच को एक वर्डप्रेस वेबसाइट पे लाइव सिखाता है, ऐसे नहीं है कि सिर्फ थ्योरी में होगा। हम लोग यहाँ पे कोई भी बैच के एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स को आप पूछ सकते हो हमारा टीचिंग मेथड कैसे है यहाँ पे, जैसे एक टॉपिक सिखा लिया इमीडिएटली असाइनमेंट्स देता है, असाइनमेंट्स प्रोवाइड करते हैं और स्टूडेंट्स को सामने बुला के प्रैक्टिकल करने के लिए बोलता है। जितने लोग भी क्लासरूम में है, वी हैव द होल वाईफाई कनेक्शन हुई है, आप लोग के लैपटॉप्स कैरी कर सकते हो, हमारे पास 4 से 5 मशीन्स है, आप लोग लैपटॉप कैरी करके यहाँ पे बैठ सकते हो प्रैक्टिकल के लिए। आप लोगों को क्लासरूम में जितनी देर बैठना है आप लोग बैठ सकते हो। इस तरीके की असाइनमेंट्स होती है हम लोगों की, आपको दिखा होगा, जो हम लोग हर एक सेशन के बाद आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं। ये इस तरीके की, जैसे देखो एफबी असाइनमेंट, अब ये रैपिडो बाइक का असाइनमेंट दिया था, रैपिडो बाइक पता है आपको? हाँ, तो उसका असाइनमेंट दिया था फेसबुक पे सॉल्व करने के लिए, वो ओपन हो रहा है। तब तक मैं बाकी की असाइनमेंट दिखाता हूँ, जैसे गूगल एड्स का असाइनमेंट ओपन हो रहा है, ये नोटपैड में बनाया हुआ असाइनमेंट था। क्या असाइनमेंट ये क्या है? क्रिएट अ सर्च कैंपेन फॉर गूगल एड्स फॉर विच कंपनी, जोहो.com CRM का।
कौन सी लोकेशन में ऐड करना है? पुणे मुंबई, पुणे मुंबई में ऐड करना है। ऐड कौन सी टाइम पे करना है? 11 से 4, बजट 3000 रन करो। और ये अलग अलग कीवर्ड्स, ये तो अभी आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे केएफसी के लिए आपको ऐड रन करना है गूगल सर्च पे, रिस्पॉन्सिव कौन सी एड्स रन करनी है? इमेज एड्स, कौन सी सिटीज में? मुंबई, दिल्ली, पुणे। हाँ हाँ, यहाँ पे टारगेटिंग मेथड्स बताए थे, टॉपिक टारगेटिंग, कीवर्ड टारगेटिंग, प्लेसमेंट टारगेटिंग, ये सारे इस टाइप के असाइनमेंट्स हम लोग प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे, ये रैपिडो का असाइनमेंट दिया था हमने स्टूडेंट्स को, जो स्टूडेंट्स को हम लोग सॉल्व करने के लिए बोलता है, यू कैन चेक आउट द असाइनमेंट हो गया। ये देखो रैपिडो बाइक का क्या फेसबुक पे ऐड ऑन करना था, मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या क्रिएट करना, कौन सी सिटीज में? यस, पुणे, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, नोएडा में। कौन सी एज के लोगों को दिखाना था ऐड? जेंडर, शेड्यूल, बजट और ये ड्यूरेशन दिया था। और एक ऐड कौन सा? इमेज। और दूसरा ऐड? ये इस तरीके की असाइनमेंट्स, यस, इस तरीके की अलग अलग असाइनमेंट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये जोहो सीआरएम कार्ड फेसबुक पे दिखाना, लेकिन कौन से और लोगों को? जो लोग सीईओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, डायरेक्टर, वीपी, मैनेजर, इस तरीके के प्रोफाइल के लोग है ना, उनको ही हमारा ऐड दिखना चाहिए। ये सब कुछ आपको करने आता है, ये अच्छे असाइनमेंट सभी प्रोवाइड करते हुए। अब ये देखिए, ये आ गए हम लोग हमारे गूगल एनालिटिक्स के टूल पे, वो दिखा रहा है कि रोहित आपकी वेबसाइट पे पिछले आधे घंटे में कितने लोगों ने विजिट किया, कितने लोगों ने? 7 लोगों ने विजिट किया। मैंने यहाँ पे रिपोर्ट्स के टैब पे क्लिक कर लिया। रिपोर्ट पे टैब पे क्लिक करने के बाद मुझे बहुत सारी चीजें यहाँ पे दिखाई देती है। तो ये बहुत जबरदस्त टूल है, ये भी कवर होता है इसके अंदर। ये कितने, 20 जुलाई से 16 अगस्त तक मेरी वेबसाइट पे टोटल करीब करीब 2500 विजिटर्स आके गए। उन्होंने एवरेज वेबसाइट पे टाइम कितना स्पेंड किया? 1.5 मिनट स्पेंड किया। अगर मैं स्क्रॉल करता हूँ यहाँ पे, एक्विजिशन, बहुत सारी चीजें इसमें, लोग कहाँ से आ रहे हैं, कौन से एज के, कौन से सिटी से आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखती है। लोगो कितने करीब करीब 1800 लोग कहाँ से आए, कहाँ से आके? ऑर्गेनिक सर्च, मतलब सर्च इंजन से डायरेक्टली कितने लोग आए, डिस्प्ले एड्स में से कितने लोग आए, पेड सर्च में से कितने लोगों ने आए, कितने लोग ऑर्गेनिक सोशल मीडिया साइट्स पे से आ गए। मैं यहाँ पे स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे टेक के ऊपर क्लिक करके अगर मैं ओवरव्यू दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ओवरव्यू दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या क्या चीजें दिख रही है। आई एम स्क्रोलिंग डाउन, ये देखिए यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, विंडोज, एंड्रॉइड, iOS। कितने लोग मोबाइल से आए, कितने? 1400 लोग। कितने लोग डेस्कटॉप से आए? 1100 लोग। कितने लोग टैबलेट से आए? कितने? 10 लोग। अगर स्क्रॉल कर रहा हूँ यहाँ पे, कौन से ब्राउजर से सबसे ज्यादा वेबसाइट ओपन हुआ है? क्रोम। ये देखो, ये क्या है, क्या दिख रहा है? ये मोबाइल, डेस्कटॉप और क्या, ये टैबलेट। तो ये सारी चीजें ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है यहाँ पे, कि पूरा डेटा। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे हम लोग कवर करने वाला है। यहाँ पे गूगल के सारे सर्टिफिकेशंस भी कवर होता है। आई कम ओवर हियर, गूगल एड्स सर्टिफिकेशन। मैं वापस आप लोगों को बोलता हूँ गाइस, व्हेन यू गो फॉर इंटरव्यूज, यहाँ पे आप लोगों के सर्टिफिकेशन से ज्यादा आप लोगों को कितना प्रैक्टिकली आता है वो देखा जाता है। आपको बहुत जगह पे इस तरीके की असाइनमेंट्स दी जाएंगी, तो असाइनमेंट्स पे ज्यादा जोर दीजिए। थ्योरी में कुछ मतलब नहीं, मैं आपको बोलता हूँ, थ्योरी आप लोग सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग देखिए, लेकिन प्रैक्टिकल जितना ज्यादा करोगे उतना आप लोगों को इंटरव्यूज क्रैक करना ईजी जाएगा। 70-75% प्लेसमेंट रेशियो है हमारा इंस्टीट्यूट का। मान लीजिए अगर 100 लोगों ने क्लास किया तो 70-75 लोगों को जॉब मिल गया है। सबसे ज्यादा जॉब ओपनिंग्स आप लोगों को बोलता हूँ महाराष्ट्र में, पुणे मुंबई में सबसे ज्यादा जॉब ओपनिंग्स है। उसके बाद अगर ऑल ओवर इंडिया देखोगे तो पुणे, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, अहमदाबाद, बैंगलोर, हैदराबाद, ये सिटीज में डिजिटल मार्केटिंग की सबसे ज्यादा ओपनिंग्स है। अगर आप लोग आउट ऑफ इंडिया पे ट्रैवल करते हो तो यूएस, यूके, यूरोपियन कंट्रीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, हाँ, गल्फ कंट्रीज, यहाँ पे सबसे ज्यादा आपको ओपनिंग्स मिलेगी डिजिटल मार्केटिंग की। डिजिटल मार्केटिंग में आप लोग एज एग्जीक्यूटिव काम कर सकते हो, आपको अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ गया तो यू कैन वर्क एज एक डाउट टेस्ट। यस, एक मिनट, आप कंसल्टेंट का काम कर सकते हो, आप खुद का एजेंसी शुरू कर सकते हो, आप फ्रीलांसिंग का काम करना शुरू कर सकते हो, लेकिन फ्रीलांसिंग, कंसल्टेंट, ट्रेनर बनना है आपको, ट्रेनर का काम कर सकते हो, लेकिन फ्रीलांसिंग, कंसल्टेंट, ट्रेनर, एजेंसी शुरू करना है तो इसके लिए पहले 1.5-2 साल काम कीजिए। मार्केट में काम करके कैसे कोटेशन बनाया जाता है, कैसे क्लाइंट को अप्रोच किया जाता है, नया क्लाइंट कैसे ढूंढा जाता है, आपके पास उतने रिसोर्सेज है क्या? जैसे कल कोई क्लाइंट आता है, वो बोलता है अरे आप हमारा डिजिटल मार्केटिंग कर लो, आप हमारा वेबसाइट भी डिजाइन करो, आप हमारे लिए ग्राफिक्स भी बनाओ, क्रिएटिव भी बनाओ, तो आपके पास वेब डेवलपर है क्या वेबसाइट बनाने के लिए, आपके पास क्रिएटिव का टीम है क्या? ये सारी चीजों के लिए आपको थोड़ा टाइम लगेगा। काम करोगे ना इंडस्ट्री में तो सारी चीजें समझ में आएगी। एसईओ को कितना कोटेशन देना है, पेड कैंपेन्स को कितना कोटेशन देना है, हाँ, लिंक्डइन कैंपेन्स रन करने उसके लिए कितना कोटेशन देना है, ये सारी चीजों की मालूमात आप लोगों को तब हो जाएगी जब आपने काम किया 1.5 साल, और उसके बाद में आप आपके कॉन्टैक्ट्स के थ्रू बहुत सारी ऑनलाइन साइट
वेबसाइट्स है जहां से आप फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, लेकिन आई हाईली रेकमेंड यू पीपल, मतलब सजेस्ट करता हूं मैं आप लोगों को कि 1-1.5 साल काम कीजिए, एक्सपीरियंस लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे आप लोग आपके नेटवर्क में से प्रोजेक्ट्स भी लेना शुरू कर सकते। अभी क्लास किया 2 महीने में और इमीडिएटली मैं प्रोजेक्ट लेता हूँ, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको, तो मैं बोलता हूँ। यहाँ पे सैलरीज अगर आप लोग देखोगे डिजिटल मार्केटिंग में सैलरीज, अभी हमारे यहाँ से पिछले महीने में 4 लड़कियां प्लेस हो गई, फर्स्ट क्राई ब्रांड पता है आपको, फर्स्ट क्राई बेबी प्रोडक्ट्स का, यस नो, तो फर्स्ट क्राई में प्लेस हो चुकी है, लेकिन वहां पे वो एज ए इंटर्न प्लेस हुई। डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न, इंटर्न मतलब क्या होता है, देखो डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव होता है, इंटर्न होगा, इंटर्न और एग्जीक्यूटिव में क्या, दोनों काम 8 घंटा ही करते हैं। इंटर्न में सिर्फ वो लोग आपको ट्रीट करते कि आप एक ट्रेनी हो, तो वो आपसे बहुत एक्सपेक्ट नहीं करते, आपको ट्रेनिंग भी देता है उनके काम करने का तरीका। इसका प्रोबेशन पीरियड होता है नॉर्मली 3 महीने का, तो 3 महीने तक आपको ट्रेनिंग देता है। एक बार आप फुल फ्लैश रेडी हो गए तो फिर उसके बाद आपका सैलरी और बढ़ाते हैं, तो उनको बहुत कम सैलरी दिया, और आई थिंक उनको 8 या 9 हज़ार रुपए ट्रेनिंग इंटर्नशिप के लिए दिया है। लेकिन यस, बहुत सारी कंपनीज ऐसी भी, उसके पहले के बैच में आफ्टर में से 3 लोग प्लेस हुए, वो मार्केट रिसर्च कंपनी में प्लेस हो गए एसईओ के लिए, 14,000 का सैलरी मिला। गोमो ग्रुप करके कंपनी बीच में वहां पे प्लेसमेंट हुआ 18,000 रुपए। विप्रो में ओपनिंग चल रही है 2.7-2.8 का पैकेज, लेकिन विप्रो में जो ओपनिंग है वो सब ग्रेवियर शिफ्ट है, अर्ली मॉर्निंग 3-4 बजे शिफ्ट शुरू होता है, ऑस्ट्रेलियन प्रोजेक्ट उनके पास। तो सैलरीज आप देखोगे ना तो एवरेजली 15-17,000 रुपीज के बीच में आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो, कहीं पे 12,000 भी मिल सकता है, कहीं पे 10 भी मिल सकता है, कहीं पे 18 भी मिल सकता है। इंटरव्यू में सिर्फ आपके डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज को नहीं देखता है, आपका अप्रोच, द वे यू थिंक, आपका थॉट प्रोसेस, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ डू हैंडल द सिचुएशन, ये सारी चीजों को देख के आपका सैलरी डिसाइड किया जाता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में जो भी इंडस्ट्री में जो नॉलेज चाहिए उसका गारंटी हम लोग आपको देते हैं। लाइक मैंने आपको स्कूल ऑफ मार्केटिंग के बारे में कुछ बोला नहीं, आई एम रियली सॉरी गाइस, वी आर लाइक प्रोवाइडिंग दिस ट्रेनिंग फ्रॉम लास्ट 13 इयर्स, वी स्टार्टेड दिस इंस्टीट्यूट इन 2010 अंटिल 2023 में आज 13 साल पूरे हो चुके हैं। वी हैव ट्रेन मोर देन 25,000 स्टूडेंट्स एंड वी आर वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट, एंड एज आई टोल्ड यू वी ओनली प्रोवाइड डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। हमारे पांचों की पांचों बैचेस जो चलती है सिर्फ और सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग प्रोवाइड करते हैं, वेब डिजाइनिंग का भी कोर्स है, वेब डेवलपमेंट का भी है, बीएस सिखाते हैं, एचटीएमएल सिखाते हैं, ये कुछ नहीं, ओनली डिजिटल मार्केटिंग की बैचेस चलती है। मैंने जैसे बोला सुबह 8 बजे का बैच है, 10:30 बजे का बैच है, 2 बजे का बैच है, 4 बजे का बैच है, शाम का 7 बजे का बैच है। ये सारे सेशन जो लाइव होते हैं उसके रिकॉर्डिंग्स अभी आएगा, आपका ग्रुप बनता है, ग्रुप पे आपको रिकॉर्डिंग्स आते हैं, असाइनमेंट्स आते हैं, आप बैच 6 महीने तक रिपीट कर सकते हो। मी मायसेल्फ आई एम अ ट्रेनर वो भी, मेरे अलावा और भी 3 ट्रेनर्स है, जैसे जैसे मैं आपको सबको बोल के रख रहा हूँ, जैसे टॉपिक चेंज होता है वैसे फैकल्टीज चेंज होती है, जो फैकल्टी जिस टॉपिक में अच्छा है, जैसे आप कॉलेज में जाते हो, हाँ इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए बंदा आएगा, साइंस पढ़ाने के लिए बंदा आएगा, वैसे यहाँ पे भी वैसी होता है। सोशल मीडिया के लिए फैकल्टी चेंज हो जाएगा, पेड़ के लिए वापस फैकल्टी चेंज हो जाएगा, गूगल टैग मैनेजर सीखना उसके लिए फैकल्टी चेंज होगा, ऑन पेज ऑफ पेज एसईओ चेंज करना सीखना उसके लिए फैकल्टी चेंज हो जाएगा। एक ही फैकल्टी सारे टॉपिक सिखाता नहीं है, आप लोगों को जो भी टॉपिक रिपीट करना है जितनी बार भी 6 महीने के अंदर आप कितनी बैचेस रिपीट करो, आपको एक लिंक दिया जाता है जूम का, वो लिंक आप एक्सेस कर लीजिए मोबाइल से बैठिए, डेस्कटॉप से बैठिए, लेकिन बहुत अच्छा होगा अगर आप लोग घर पे से बैठते हो तो डेस्कटॉप यूज कीजिए, लैपटॉप यूज कीजिए, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल्स जब देते हैं ना लोग बोलते हैं सर मैं मोबाइल से बैठा हूँ, हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं, तेरा प्रैक्टिकल नहीं होगा तेरा ही नुकसान, तो वो आपके हाथ में है। यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे सर्च कर लिया डिजिटल मार्केटिंग जॉब्स, हाँ इन पुणे I come over here. If you are on LinkedIn, LinkedIn पे भी बहुत openings मिलेगी आपको. I'm scrolling down. और ये देखिए naukri.com यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ, I'm doing. अभी also guys do have live projects with us. तो live projects भी आप लोग जिन projects पे काम करोगे उनको आप लोग आपके resume में mention कर सकते हो, उसका आपको experience letter भी मिलेगा, ताकि आप लोग projects दिखा सकोगे, वो projects को पूरा interviews में explain कीजिए कि ये project में मैंने ये काम किया, लेकिन वो real में काम करोगे तो बता पाओगे। हाँ लोग क्या करते हो दिखा, क्लास ज्वाइन करते हैं बहुत जोश में होते हैं, और जब क्लास शुरू हो जाता है ना प्रैक्टिकल देना शुरू करा, कल करते हैं बाद में करते हैं, ऐसा कंट्रा करना शुरू करता है लोग। ये देखिए डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर का प्रोफाइल, ये तो आपके लिए नहीं, 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस है। डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव न्यू वर्ल्ड लैंडमार्कअप 3-8 ईयर्स। दृष्टि कंप्यूटर कंसल्टेंट्स डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट 4 से 9 साल का एक्सपीरियंस, कितना है 12 से 15 लाख का पैकेज है, दापोड़ी में है। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर सॉफ्टनेक्स 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस, 7 से 10 लाख। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि सैलरी रेंज कैसे बढ़ेगा आप लोगों का। आप लोगों को बोलता हूँ फ्रेशर शुरू करते हो ना तो इट कैन वेरी फ्रॉम, जैसे अभी आ रहा हूँ जैसे आप थारे से हो, मुंबई में सैलरी ज्यादा है बिकॉज वहाँ पे एकोमोडेशन वगैरह महंगा है, तो मुंबई में आपको फ्रेशर को 15-18 हज़ार सैलरी मिल सकती है, पुणे में आपको 12-13 हज़ार भी सैलरी मिल सकता है, 10 हज़ार भी मिल सकता है। अब अगर आपने 1 साल का काम कर लिया डिजिटल मार्केटिंग में तो आप लोगों का सैलरी 18 से 20 हज़ार तक रहेगा,
If you have experience of 2 years, the salary can vary from 2.5 to 3.0, 3.2, 3.5 lakhs तक. 3 साल के ऊपर experience जाएगा तो 3.5 लाख से लेके 4.5-5 लाख के बीच में आपका salary होना चाहिए. If your experience crosses more than 3 years, it completely depends on which clients you've worked for. जैसे मैं एक example आपको देता हूँ सबको. Let's take this example over here. Aaron, आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया और आपने ये कोर्स कंप्लीट कर लिया और आपको मिल गया किसी बड़े कंपनी में जॉब, जहां पे वो कंपनी का नाम है एसेंचर में आपको जॉब मिल गया. एसेंचर में आपको जॉब मिल गया और आप उनके लिए काम कर रहे, ब्रांड मिल गया, यू आर वर्किंग विद एसेंचर. लेकिन आपको हर रोज सिर्फ एसेंचर के लिए ही काम करना है. इन हाउस ओपनिंग था वो कि उनकी खुद की वेबसाइट का ही रैंक एड रन करना है, उनकी वेबसाइट का एसईओ करके उनकी प्रोडक्ट के लिए रैंक करना है. आखिर जाके आप सिर्फ एसेंचर आईटी 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 के लिए काम करें. उसकी जगह पे ही मान लीजिए यहाँ पे है आरती. आरती ने एक एजेंसी ज्वाइन कर लिया, डिल मार्केटिंग का एजेंसी. उस एजेंसी में ना बारबेक्यू नेशन उनका क्लाइंट है. कौन है? बारबेक्यू नेशन उनका क्लाइंट है. उनका दूसरा क्लाइंट कौन है? कोलते पाटिल क्लाइंट है उनका. तीसरा क्लाइंट उनका ना डीवाई पाटिल कॉलेज उनका क्लाइंट है. तो अभी आरती डीवाई पाटिल कॉलेज के लिए काम करिए, बारबेक्यू नेशन के लिए काम करिए और कोलते पाटिल के लिए. 3 सेक्टर्स के लिए काम किया, एजुकेशन, रियल एस्टेट और फूड इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री. तो उसको और ज्यादा चीजें समझ में आ रही कि कौन से इंडस्ट्री में क्या स्ट्रेटेजी काम करता है. अरे सोशल मीडिया, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टा चलेगा इसके लिए, बाबी के नेशन के लिए. रियल एस्टेट, रियल एस्टेट के लिए पेड कैंपेन्स काम ज्यादा करेंगे. एजुकेशन के लिए लिंक्डइन ज्यादा काम करेगा, गूगल से ज्यादा काम करेगा. तो उसको बहुत सारी आइडिया थी. लेकिन यहाँ पे आराम फंस गए एक ही जगह पे. कहाँ पे? आके जाके आईटी आईटी सेक्टर के अलावा उनको बाहर कुछ पता नहीं. तो 2 साल के बाद में आराम को 2 साल का एक्सपीरियंस है, आरती को 2 साल का एक्सपीरियंस है. लेकिन आरती का नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि उसको क्या मिला? बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करने के लिए मिला. क्योंकि वो एजेंसी में काम करते, उसने बहुत सारे अलग अलग क्लाइंट्स के साथ काम किया. उसको समझ में आ रही होटल इंडस्ट्री के लिए सोशल मीडिया ज्यादा काम करेगा. अरे रियल एस्टेट क्या? एक काम कर, फेसबुक और गूगल सर्च को बोल दे, ये ज्यादा करेगा. अरे एजुकेशन सेक्टर क्या? एजुकेशन के लिए लिंक्डइन बोल दे, ईमेल मार्केटिंग बोल दे, डेटाबेस होता है स्टूडेंट्स का, हो रहा ईमेल करना शुरू, व्हाट्सएप कर, एसएमएस कर. तो ये सब फर्क होता है. तो उनको सैलरी ज्यादा मिल जाएगा क्योंकि ये बंदे को सिर्फ एक ही चीज का नॉलेज, इसको एक्सपोजर ज्यादा मिल गया. ये सब चीजें आपको समझ में आ जाएगी. जो भी टेक्निकल नॉलेज होता है, बेसिक्स, वो भी हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं. एक वेबसाइट दिखाएंगे W3 स्कूल करके, जो वेबसाइट बहुत अच्छी है कोडिंग सीखने के लिए, बेसिक्स. वो आपको, आपको टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है. आपको डेवलपर नहीं बनना है, आपको डिजिटल मार्केटर बनना है. आपका काम होता है आपके प्रोडक्ट्स को जो बाय करते हैं उन लोगों तक कैसे पहुंचना है ऑनलाइन. ये सब आप लोगों को यहाँ पे कवर किया जाएगा. ये सारे टॉपिक जो है मैंने यहाँ पे दिखाए थे आप लोगों को. फिर या आप लोग वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दिया था टॉपिक आ गया वो. तो गाइस ये सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे. हाँ, SEO, SEO में ऑन पेज, ऑफ पेज, ये ऑलरेडी ऑलरेडी वेबसाइट पे ऑलरेडी दिया है सब कुछ. गूगल एनालिटिक्स, गूगल वेब मास्टर्स, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन में 3-4 मेजर प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक एडवर्टाइजिंग, लिंक्डइन एडवर्टाइजिंग, यूट्यूब एडवर्टाइजिंग, गूगल PPC ये कवर होगा, एफिलिएट मार्केटिंग, हाँ, कंटेंट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स, SMS, व्हाट्सएप मार्केटिंग, सारी इमेज एड्स, वीडियो एड्स, टेक्स्ट एड्स कैसे रन की जाती है, स्ट्रैटेजीज कैसी प्लान की जाती है, स्ट्रैटेजीज, ये सारे टॉपिक्स आप लोग वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं, सारे कवर हो जाएंगे. सेशन हर रोज 2 घंटे का होता है. 1.25 घंटा थ्योरी होता है, 45-50 मिनट्स प्रैक्टिकल्स होता है. और ये ऐसा ड्यूरेशन चलेगा बैच का करीब करीब 2 से 2.25 महीने. 2.25 महीने तक चलता है, 15-5 हफ्ते का हम लोग बफर रखते हैं, आगे पीछे बैच हो सकता है. तो ये सारी चीजें यहाँ पे कवर हो जाएगी आप लोगों को. ये गूगल के सारे सर्टिफिकेशन हम लोग कवर करवाते हैं. ये गूगल की सारी सर्टिफिकेशन है, ये देख रहे हो आप लोग, कौन सा ये वाला? गूगल एड्स सर्च, ये गूगल एड्स क्रिएटिव, ये गूगल एड्स का कौन सा वापिस सर्च, ये कौन सा डिस्प्ले, ये कौन सा शॉपिंग, ये कौन सा वीडियो, ये ऐप एड्स. मोबाइल पे देखते हो आप लोग, मोबाइल पे ऊपर गेम खेल रहे हो, बीच में ऐड आता है, वो ऐप एड हो गया. तो वो शॉपिंग एड्स कौन सी होती है? मैंने सर्च कर लिया नाइकी रनिंग शूज ऑनलाइन. नाइकी रनिंग शूज ऑनलाइन सर्च करने के बाद अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये आ रहे क्या? दिख रहा है एडिडास का ऐड चल रहा है, डेकाथन, एक्सेस, एजियो, एडिडास, एडिडास, एजियो, दिख रहा है? ये सब एड्स आ रही है. यस नो गाइस, ये होता है शॉपिंग कार्ड. मैंने सर्च कर लिया, मुझे घर पे लेना है मिक्सर ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर अंडर 10,000. ये जो एड्स आ रही है आप लोगों के सामने, ये दिख रहा है? यानी प्रीति, प्रीति, फिलिप्स, दिख रहा है, क्रोमा, रिलायंस, ये सब नाम दिख रहे हैं. मतलब है ना बंदा कोई बैठा ना,
आई कम टू यूट्यूब, मैंने यूट्यूब पे सर्च कर लिया यहाँ पे रेसिपी फॉर पाव भाजी, और एंटर करने के बाद अगर आप देख रहे हो यहाँ पे रेसिपी फॉर पाव भाजी सर्च कर लिया, और पाव भाजी रेसिपी, पाव भाजी रेसिपी, मुंबई स्टाइल क्रिएटिव चूल्हा, देख रहे ये बंदी का ऐड चल रहा है क्या? यस तो यहाँ पे ये बंदा है जिसका वीडियो सबसे टॉप में आ रहा है, मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, विजिट एमिरेट्स का चल रहा है क्या? टूरिज्म बढ़ाने के लिए, हाँ चल रहा है कि नहीं? यस नो सर। और मैंने ये अभी साफ करके लाया था, इसलिए मेरे चटेरों कैसे हुआ आप, हम सभी को पाव अभी ये पाव भाजी भाजी बहुत वगैरह बता रहा पसंद है रहती आपको, है, लेकिन अब ये पाव भाजी बता रहा है आपको कैसे बनाई जाती है। ऐसे टाइम पास नहीं कर रहा है गाइस, सब्सक्राइबर्स देखो कितने हैं, कितने सब्सक्राइबर्स गाइस, 13 इयर्स, 14.2 अराउंड 1.3 करोड़ पीपल आर फॉलोइंग हिम, और उसके इस वीडियो को कितने लोगों ने देखा है, 53 मिलियन व्यूज 4 साल में। तो ये बंदे के वीडियो के पहले ऐड आया था क्या? ये बंदा मैंने को 8-10 लाख रुपए कमा रहेगा, वो है ना टेक्निकल गुरुजी, पता है क्या एक चैनल टेक्निकल गुरुजी, वो मैंने को 1 करोड़ रुपए कमा था यूट्यूब से, 1 करोड़ रुपए मैंने को इतना कंटेंट क्रिएट किया। तो गाइस अगर आपको रेवेन्यू पैसा कमाना है ना, अब देखो ये बंदे का वीडियो टॉप में आ रहा है उसीलिए आज इसको पैसा मिला, मतलब इसको पता है वीडियो को टॉप में कैसे लाता है, लाया जाता है, इसको पता है कौन सी कंटेंट को डिमांड ज्यादा है। मतलब आप लोगों को पैसे भी अगर कमाने होंगे तो आप लोगों को डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स आना ही है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट गिफ्ट फॉर किड्स, मुझे एक छोटे बच्चों को गिफ्ट देना, बेस्ट गिफ्ट फॉर किड्स, कर लिया सर्च, यस नो? हाँ, अब यहाँ पे आ रही है अलग अलग साउथ, हाँ टाउन एंड कंट्री मैगजीन आ रही है सेकंड पोजीशन पे, ये वेबसाइट सेकंड पे आ रहा है, मतलब इसने एसईओ किया है क्या? किया ना, इसने वेबसाइट का एसईओ, उसी रैंकिंग पे आ रहा है। अब ये वेबसाइट पे आने के बाद वो बोल रहा है आपको गिफ्ट लेना है बच्चों के लिए, चलो ये ले लो गिफ्ट, ले लो, कहाँ से लो, कहाँ से लो, बोल रहा है। अब वो लेके जा अमेज़न रहा है कहाँ पे, अब मैं अमेजोन से ये प्रोडक्ट बाय करूंगा ना तो अमेजोन ट्रैक कर रहा है कि अरे ये बंदा है ना रोहित, ये किसके थ्रू आया है, किसके थ्रू, टाउन एंड कंट्री वेबसाइट के थ्रू आया है, तो मैंने ये प्रोडक्ट बाय कर लिया ना तो इसका कमीशन अमेजोन 1 तारीख को सैलरी जैसे होती है वैसे इसको पे करेगा, किसको, लेकिन टाउन एंड ऑल ने किसने, कौन से कीवर्ड के अमेज़न लिए, कौन से कीवर्ड के लिए, कीवर्ड मतलब जो कुछ सर्च करते हो, बेस्ट गिफ्ट फॉर किड्स, इसके लिए कहाँ पे आ रहा है, सेकंड पे, तो सेकंड पे आज इतना टॉप में लाया, तो उसको एसईओ पता है, उसको टेक्निकल सारी चीजें पता है, तो ये सब आप लोगों को सीखोगे आप लोग, लेकिन वापस घुमा फिरा की वही है, आप लोगों को पैसे भी कमाने, जैसे ये बंदा यूट्यूब से पैसे कमा रहा है, इसने कंटेंट क्रिएट किया, इसके पूरे पास पूरा टीम होगा जो सामने कैमरा लेके बैठा होगा, वॉइस ओवर, माइक पे, ये सब रेसिपी बता रहा है, इसके बाद में इसके वीडियोस के अंदर ये सारा डिस्क्रिप्शन लिखना, उसके अंदर पूरी लिंक्स डालना, ये सब टीम होगा उसके पास प्रॉपर। तो फिर आज देखिए आप कोई भी वीडियो जो टॉप में आता है वो लोग पैसे कमा रहे हैं अच्छी खासे। हाँ यहाँ पे मैं कोई भी एक वीडियो बताइए, चलो रेसिपी फॉर, बोला कुछ लगा है खाई साहब, बोला बोला जल्दी से बोलिए, कोई भी रेसिपी बोलिए, हाँ पिज्जा 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 पिज्जा, हाँ एट होम रेसिपी फॉर पिज्जा एट होम बोलने के बाद में अगर आप देख रहे हो यहाँ पे भी आप लोग देखो बहुत सारे लोग अपने शॉर्ट्स वगैरह बना के यहाँ पे ऐड कर रहे हैं कैसे पिज्जा, अब ये डोमिनोज जैसा वेज पिज्जा बनाइए, कविता किचन, और कविता के वीडियो के पहले क्लाउड किचन क्लाउड किचन ऐड, क्लाउड किचन है क्या ये समझ में आ क्लाउड रहा है किचन? क्या? मैं इस समय और ये ऐड रन करने वाला बंदा भी डिजिटल मार्केटर है जो इस कंपनी के लिए ऐड रन है, क्लाउड किचन ऐड देखो कैसा रिलेट हो रहा है, हम लोग रेसिपी के रिलेट दिख रहे हैं बराबर, क्लाउड किचन का ऐड आ रहा है, क्लाउड किचन मतलब क्या होता है आज के डेट में, क्या हम लोग जोमेटो से ऑर्डर करते हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि 4-4 होटल का किचन एक ही जगह पे होता है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एक ही होता है, सिर्फ होटल्स के नाम अलग होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बच जाता है ना, तो वो क्लाउड किचन के बारे में ट्रेनिंग बता रहा है कि आपको क्लाउड किचन शुरू करना है क्या, वो बता रहा है कैसे करोगे, ऐड चल रहा है, और उसके ऐड के क्लाउड किचन में बाद खड़ा हूँ, स्किप क्लाउड किचन कुछ ऐसा ही दिखता है। रेस्टोरेंट कर दिया, से अच्छा पिज्जा और आप ये घर सबसे पे बना आपका सकते वीडियो आ गया, मतलब ये वीडियो किसका है, किसका है, कविता को कितने फॉलोअर्स हैं, आप हमको हैं। आपको है 13, 1 मिलियन तो भी है कि किसी को, यहाँ पे 1 मिलियन है कि किसी को, 1 मिलियन है कि किसी को फॉलोअर्स, हमको क्यों नहीं फॉलोअर्स, ये कंटेंट क्रिएट करना इतना इजी नहीं होता है, आप लोग को इंस्टा पे देखो बहुत सारे लड़के लड़कियां होती है किसी को 10 लाख फॉलोअर्स, किसी को 8 करोड़, वो लोग कंटेंट क्रिएट करते रहते हैं जो लोगों को पसंद आना शुरू होता है, और लोग फिर उसको सब्सक्राइब करना शुरू करते हैं, लाइक करना शुरू करता है, और फिर वो लोगों को पॉपुलरिटी गेन हो जाती है, पॉपुलरिटी गेन हो गई तो फिर एडवर्टाइजर जो होते हैं वो दिखता रहे इस बंदे को अच्छा खासा कस्टमर बेस है, हम लोग जैसे अभी नाइकी का शूज आ गया, नाइकी शूज स्पोर्ट्स आया, स्पोर्ट्स में फुटबॉल में पॉपुलर कौन, रोनाल्डो, लो फिर रोनाल्डो को बोलेंगे तू एक काम कर इस शूज को प्रमोट कर, तेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू हम लोग तुझको पैसा पे करते हैं, उसने एक पोस्ट डाल दिया उसके 50 करोड़ फॉलोअर्स है, इतने लोगों तक पोस्ट पहुंच जाएगा। हाँ आईपीएल मैच चालू होता है, आईपीएल के वक्त व्यूअरशिप ज्यादा होता है, उस समय एड का रेट एकदम ज्यादा,
लेकिन आईपीएल मैच खत्म हो गया, ऐड करेट एकदम कम क्योंकि लोग चले गए। तो ये सब चीजें आप लोगों को धीरे धीरे समझ में आए। सो गाइस, डिजिटल मार्केटिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑनलाइन मार्केटिंग, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेब मार्केटिंग। इंटरनेट पे जो भी ऐड देखते हो ना आप लोग, दैट इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? डिजिटल मार्केटिंग। और डिजिटल मार्केटिंग का डिमांड बढ़ते बढ़ते ही जा रहा है बहुत, क्योंकि अच्छा इंडिया मध्य भरपूर जागे अजून गाँव भागे जिसे इंटरनेट पोस्टल है। अभी अभी पता है आपको 5G लॉन्च हुआ, 5G के अभी 5G के प्लान भी आने शुरू हो गया, एयरटेल का प्लान आ गया। 5G आ गया मतलब इंटरनेट का स्पीड और बढ़ेगा, इंटरनेट यूजेस बढ़ते ही जा रहे, गांव गांव में इंटरनेट पोस्टल चल रहे। तो ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बोल रहे ना, डिजिटल इंडिया हो रहा है। एक टाइम पे ऐसा था कि पासपोर्ट निकालने के लिए एजेंट पकड़ो, 5,000 दो, 8,000 दो, अभी क्या ऑनलाइन भर दो, TCS को पूरा आउटसोर्स किया, जाके अपॉइंटमेंट ले लो, पासपोर्ट आपके घर में 10 दिन में आ जाएगा। ये क्या डिजिटलाइजेशन? एक टाइम पे मेरे पापा पैसे देते थे, बैंक में जाके लाइन में रुकता था, वो सिर्फ भरो ये भरो, ATM कार्ड आ गया, डिजिटलाइजेशन। ATM के बाद में फोन RTGS आ गया, IMPS आ गया, अभी फोन पे आ गया, बटवा बिटवा लेके घूमने की जरूरत है, मोबाइल खट कर दो, हो गया। ये हो रहा है डिजिटलाइजेशन। आर यू गेटिंग गाइस? सो डिजिटल मार्केटिंग इज अ वेरी बूमिंग इंडस्ट्री। आप लोगों को अनफॉर्चुनेटली अभी चैट जीपीटी नहीं चल रहा, लेकिन आप लोगों का चैट जीपीटी, गूगल बार्ड, कॉपी है, ऐसे AI टूल्स भी यहाँ पे कवर करेंगे। अरे खूब इंटरेस्टिंग है, ऐसा बोरिंग प्रोफाइल नहीं लगेगा आप लोग, अरे यार क्या कंटाला था, ऐसा बोरिंग ना आता। फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोफाइल है। और आप खुद भी आपका स्टडी कर लीजिए, आप देख लीजिए डिजिटल मार्केटिंग की ओपनिंग्स बढ़ते बढ़ते ही जा रही है। क्योंकि क्या हो रहा है पता है क्या, ट्रेडिशनल मार्केटिंग का कॉस्ट बहुत ज्यादा है, आपको आइडिया नहीं होगी। फुल पेज अगर पेपर में ऐड देना है तो कितना कॉस्टिंग होता है, किसी को पता है क्या? एक वेबसाइट दिखाता हूं मैं आपको, द मीडिया ऐड करके एक वेबसाइट है, जिसपे आपको हर एक कॉस्ट मिल जाएगा। फुल पेज पेपर में ऐड आता है, यस नो? चलो देखते हैं अंदाजा कितने लोग यहाँ पे, 16 लोग बचे हैं, 4-5 लोग चले गए। ओम, मिथाली, मनीषा, कृष्णा, अभिषेक, एरॉन, फुल पेज अगर पेपर में ऐड देना है, जिन्होंने पिछला डेमो बैठा है प्लीज वो मत आंसर कीजिए। फुल पेज पेपर में ऐड देखते हो, फुल पेज पेपर में ऐड आज पूना में, मुंबई में कौन से पेपर्स पॉपुलर है? पूना में देखोगे तो सकाल पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत पॉपुलर है। फुल पेज पेपर की ऐड का साइज, कॉस्टिंग कितना होता है एक दिन का? बोलो बोला कितना? कितना? अरे बोलो कुछ तो। 10,000 एक दिन का, 10,000 फुल पेज नहीं क्या आता है? Amazon, Flipkart का फुल पेज ऐड आता है, कितना लगता है आपको? मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर देखने का, टाइम्स ऑफ इंडिया पुणे, हाँ फुल पेज कितना बोलो, जल्दी बोलो। अरे काई तरी गेस करा, 500 रुपीज, 500 कौन बोलो, 500 रुपीज बोलो, फुल पेज 500 में नहीं आता सर, 50,000 एक दिन का, 10 to 20,000 और 1 lakh, ये देखो टाइम्स ऑफ इंडिया बराबर ये आ रहा है, फुल पेज का है क्या? फुल पेज ऐसे ही आ रहा था ना, बना क्या अमेजॉन प्राइम डे कितना, 48 सेंटीमीटर ऐसा। अभी ये हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, मैंने कॉपी किया उसका प्राइस, और ये देखिए प्राइस कितना है एक दिन का, 8,18,756 रुपए सिर्फ फ्रंट पेज का। अल्टी पल्टी डालना है तो करीब करीब 16-17 लाख रुपए जाएगा, कितना? सकाल देखना है, सकाल, सकाल पुणे, सकाल पुणे, यही क्या मराठी पेपर? सकाल पुणे का रेट देखते हैं, सकाल पुणे का ये फुल पेज है क्या? कितना एक दिन का? ये 500 रुपए किसी को, एक दिन मतलब 500 रुपए, 500 रुपए पूरे पूना को कवर करे वो लोग। और कितना ही है, मैंने एक एजेंसी के थ्रू दिया था आपको वेटन जो वाटर पार्क, पता है पूरा बॉम्बे हाईवे पे, मैंने सकाल पेपर वेटन जो वाटर पार्क के लिए हमने सकाल को दिया था, मैं एक एजेंसी के थ्रू वो ऐड दिया था, 26 लाख रुपए पे किया था वेटन जो ने एक दिन के लिए, कितना? 26 लाख, लोगों के पास होता है 10 लाख रुपए उन लोग ऐड के लिए, 31 लाख, इतना बड़ा ऐड होता है। मर्सिडीज बेंज गाड़ी लॉन्च हुआ, मर्सिडीज बेंज गाड़ी लॉन्च हुआ, उसका पैन इंडिया में जितनी जगह टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर जाएगा ना, पूरे इंडिया में टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर जाएगा ना, सभी पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडिया लेवल, पूरे इंडिया में जितनी जगह टाइम्स ऑफ इंडिया जाएगा सभी जगह एक ही आएगा, कौन सा? मर्सिडीज बेंज का। कितना है पूरे इंडिया का देखते हैं, कितना लिखा है ये फुल पेज? आई गो, कितना है? 2 करोड़ 10 लाख, कितना है? 2 करोड़ 10 लाख, 10 लाख 840, 2 करोड़ का है ना, टिकट साइज देखो ना,
मैं इधर अकाउंटिंग की क्लासेस दे रहा हूँ 1200-1200 रुपए फीस दो, बोलो मैं डालूंगा कैसे यार? नहीं, तो आपको ये समझ में आएगा कौन से नेचर ऑफ स्मॉल मीडियम बिजनेसेस के लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि उनको ये कॉस्ट बहुत कम जाता है डिजिटल का। ट्रेडिशनल कॉस्ट बहुत महंगा, होर्डिंग्स का रेंट कितना होता है एक दिन का, एक महीने का होर्डिंग्स का रेंट, होर्डिंग्स बताते ना टारगेट पर दे 60 से 70 हजार रुपए होर्डिंग्स का कॉस्टिंग होता है। रेडियो पे 1 सेकंड को चार्ज होता है 15 रुपए 20 रुपए 25 रुपए, प्राइम टाइम मतलब नहीं कि शाम के टाइम पे जब ज्यादा लोग सुनते हैं, 25 रुपए 30 रुपए 1 सेकंड का, मतलब आप लोग 10 सेकंड का भी एड लगाओगे रेडियो पे तो वो 300 रुपए में जाता है। ऐसे 10-12 दिन में बड़ा आपको एड लगाना है तो रेडियो सिटी, तो रेडियो सिटी लेता हूँ पुणे, रेडियो सिटी पुणे बोल दिया, रेडियो सिटी पुणे का ये जिंगल पढ़ रहे आप लोग, ऐसे टाइप की जिंगल एड आती है, कितना रुपए ऑफर? You find food online that's yummy, chemical free, good for your tummy, and isn't factory made? Then log out. It's a virus. दिख रहे आप लोग? हाँ, इस टाइप क्या ads? ये radio city है। ये आप लोग कोई भी और metro, metro और दिल्ली, दिल्ली metro का देखते कितना है? निकिता साले का बोलो देखी? साथे का तो करी? हाँ? और निकालेगा गाड़ी कितनी दिन चाबी भी कितनी? ये दिल्ली metro का ad, ये दिल्ली metro में पूरा बाहर से branding. दिख रहा है क्या आपको? Can you see this? Yes, no? हाँ, yes. देखो, एक ट्रेन का कितना है? 11 लाख? एक महीने का। कौन सा ब्रांडिंग? Exterior. अंदर बैठे मस्त मेट्रो के अंदर और अंदर नहीं कि आपको ऐड दिख रही है क्या ऐसी? इंटर ब्रांडिंग का कितना है? कितना? 90 सेंट पर कोच, मतलब एक डब्बा होता ना, एक डब्बे का 90 सेंट पूरा ट्रेन बाहर से अंदर से कितना एक महीने का? 12,65,000 एक महीने का। यहाँ पे एयरपोर्ट्स पे एड रन करिए, दिल्ली एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट, ये देखो दिल्ली एयरपोर्ट पे आता हूँ, ये सब ट्रेडिशनल दिखा रहा हूँ मैं आपको, और यूट्यूब फेसबुक ये सब हो गया डिजिटल। ये दिल्ली एयरपोर्ट पे एंट्री मारते हैं, एंट्री मारती है, होर्डिंग दिख रहा है क्या? बैठक दिख रहा है, चलिए सीरियस, ये देखो दिल्ली एयरपोर्ट पे जाते नहीं क्या? ये हुंडई का एड दिख रहा है आपको, ये देखो ये बोल रहा है ऑन रिक्वेस्ट, महंगा ये होता, सब कुछ क्या बताया ऑन रिक्वेस्ट है टू बस एड्स, एड्स पुणे लोग मत, ये तो पेपर है दिख रहा है क्या पेपर? बस स्टॉप्स, बस एड, बस आपका है क्या? बस भी रहेगा, बस स्टैंड नागपुर नासिक पुणे, ये देखो बस स्टैंड पे कितना है अनाउंसमेंट, दिख रहा है क्या अनाउंसमेंट का? सब कुछ मिलेगा, आप लोग ये वेबसाइट देख सकते हो द मीडिया एंड आपकी जिस नॉलेज के लिए। तो द रीजन व्हाई डिजिटल मार्केटिंग इज बूमिंग इज लाइक बिकॉज ऑफ द कॉस्ट इफेक्टिवनेस, सारी की सारी चीजें आपको ट्रैकिंग करने आती, कितने विजिटर्स आ रहे, कहां से आ रहे, कौन सी एज के आ रहे, सब कुछ ट्रैक करने आता है, सारा ट्रांसपेरेंसी है, टारगेटेड ऑडियंस कौन सी एज के लोगों को दिखा रहे, कौन सी सिटी में, मैं यहाँ पे बैठ के दिल्ली में ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे बैठ के पुणे में ऐड कर सकता हूँ, यहाँ पे बैठ के मैं मुझे ऐड दिखा रहा है ऑस्ट्रेलिया में बैठ, ये सब कुछ पॉसिबल है। तो ये सारी चीजें इसमें कवर हो जाएगी, आप लोग वेबसाइट पे जाके पूरा कंटेंट देख सकते हो, जैसे मैंने बोला 2-2.5 महीने का होगा यहाँ पे कोर्स, 100% जॉब असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है हमारे यहाँ से आप लोगों को, जॉब प्लेसमेंट्स की आपको ओपनिंग्स आपके व्हाट्सएप के ग्रुप में आती है, हमारा ग्रुप है PSDM करके जॉब्स का, उसके अंदर सारी ओपनिंग्स आती है, आप लोग जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। बहुत बार ऐसे भी होता है कुछ कुछ ह्यूमन रिसोर्स के लोग यहाँ पे आपके भी प्रेजेंटेशन देता है, कुछ लोग ऑनलाइन प्रेजेंटेशन देते हैं उनके कंपनी के बारे में, तो जॉब ओपनिंग्स बहुत है आपके, जैसे बोला सैलरी कैन रेंज फ्रॉम 12,000 to 18,000 के बीच में सैलरी रेंज डिपेंड करता है, पुणे मुंबई दिल्ली नोएडा बैंगलोर हैदराबाद यहाँ पे सबसे ज्यादा ओपनिंग्स मिलेगी आप लोगों को, और हमारे साइड से आपको असाइनमेंट्स नोट्स सॉफ्ट कॉपी आप लोग बैच रिपीट कर सकते हो, फैकल्टीज चेंज होते हैं टॉपिक वाइज आप बैचेस रिपीट कर सकते हो, सारी रिकॉर्डिंग्स मिलेगी आपको, आप लोग को क्लासरूम में जितने भी लोग आते हैं पूरा वाईफाई है, वी हैव द मशीन्स यू कैन कैरी योर ओन लैपटॉप्स, क्लास के बाद में भी बैठ सकते हो, क्लास के पहले भी आके बैठ सकते हो प्रैक्टिस के लिए, उसका कोई इश्यू नहीं है, ये सब कुछ अभी आप लोग आपके साइड से पूछे। एनी क्वेश्चंस गाइस फ्रॉम योर साइड? अविनाश कल्याणी मनीषा आरोन काजल सर, सर ये सर लेक्चर एक दिन पहले इन्फॉर्म किया जाएगा कि कल कौन सा टॉपिक लेक्चर होने वाला आजकल खत्म होने आता है ना तो मैं तभी बोल देता हूँ हम लोग जब कल ये कवर करने वाला है, वैसे होता है नॉर्मली, कल सुबह आपको ऐसे मैसेज भी से नहीं आएगा, लेकिन फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ आपको कि कल हमारा बैच शुरू होने वाला है, कल मैं SEO गूगल सर्च इंजन बेसिक्स वगैरह शुरू कर दूंगा कि गूगल कैसे काम करता है, सर्च इंजन क्या होता है, ऐसे हम लोग हर एक बैच में कल क्या होने वाला है ये पहले ही बता देते हैं। ओके सर, यस, पूछिए। हाँ सर, इंग्लिश ग्रामर समझे चांगले पाहिजे असं काही आहे का?
नहीं देखिए देखो अभी इंग्लिश ग्रामर मतलब अगर आप काम कर रहे हो ना तो आप लोगों को कंटेंट राइटिंग बिटिंग के लिए भी अभी एआई टूल्स आ चुके हैं, पूरा कंटेंट लिख के मिलता है आपको, आपका ना एआई की वजह से ना बहुत काम इजी हो जाएगा। लेकिन मनीषा जी अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लान करें, अभी लोकल एजेंसीज होती है जहाँ पे डोमेस्टिक क्लाइंट्स होते हैं वहां पे ठीक है कम्युनिकेशन स्किल्स आपका मैटर नहीं करेगा, बट इफ यू टुमारो यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टीसीएस के साथ, अभी आपको बोलता हूँ टीसीएस के साथ ओपनिंग चल रहा है, एसेंचर के साथ ओपनिंग चल रहा है, साइबेज के साथ चल रहा है, विप्रो के साथ चल रहा है, आप खुद चेक कर लीजिए ये ओपनिंग्स। यहाँ पे जब जाते हो ये कंपनीज के पास इंटरनेशनल क्लाइंट्स होता है तब जाके आपको क्लाइंट कॉल पे जाना पड़ा। हाँ तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आप आपका कम्युनिकेशन स्किल्स ग्रामर इंग्लिश ये सुधार की। इसके साथ एडिशनल स्किल्स आपको अगर सीखने होंगे तो एक्सेल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ठीक है प्रेजेंटेशन क्रिएट करके दिखाने प्रेजेंट करना, थोड़ा सा वो भी आप लोग सीख लोगे आपके साइड से उड़े भी तो ये तो आता है 500-500 में, या फ्री में भी एक्सेल के बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, तो वो भी चीजें आप लोग एडिशनली धीरे धीरे साइड बाय साइड करके रखिए वो आपको फायदा होगा। और पूछिए क्वेश्चंस, पूछो आप अश्लेषा, मुझे फ्रेंड भाग्यश्री, आरती, राकेश ना, रितेश, पूछो सर तुम्हारा भाई, पूछो बैच टाइमिंग बता दिया, रिपीट कर सकते हो, जॉब्स का बता दिया, जॉब अरे मैं और बोल रहा हूँ जैसे एसईओ का पहला मॉड्यूल खत्म होता है ना आप लोगों को हम लोग जॉब ओपनिंग्स के लिए बोलते हैं कि आप लोग अप्लाई करना शुरू करो, क्योंकि मैक्सिमम ओपनिंग्स पहले एसईओ की मिलेगी आपको, वेबसाइट को रैंकिंग में कैसे लाया जाता है वही ओपनिंग्स आती है, तो आप लोगों को जॉब भी मिल गया तो ऐसा मत सोचिए कि मेरे बैच का क्या होगा, बैच आप 7 बजे का शिफ्ट कर लीजिए, क्योंकि मान लीजिए एक एक एग्जाम्पल बोलते आप अभी एसईओ कर रहे हो 10 दिन के बाद में आपका जॉब हो गया और आपको ज्वाइनिंग के लिए बोल दिया, तो मुझे बताइए 9 घंटा काम करके वहां पे ज्यादा सीखोगे या 2 घंटे की क्लास में ज्यादा सीखोगे, एक्चुअल जॉब पे ज्यादा सीखोगे, आजू बाजू में लोग होता है, मैनेजर्स होते हैं, टीम लीडर्स होते हैं, कलीग्स होते हैं, तो फिर वो बैच आप शिफ्ट कर दो, रोहित मुझे जॉब मेरा जॉब हो गया मैं 7 बजे के बैच में शिफ्ट हो जाता हूँ ना, और 9 घंटा वही काम करोगे रोज रोज देखिए तो आपका नॉलेज और बढ़ जाएगा, बहुत सारे सिनेरियोस समझ में आएंगे, तो गाइस 70% आप लोग क्लास में एक्सपर्ट बन जाओगे ट्रेनिंग लेके, लेकिन 30% एक्सपीरियंस ऐसा होता है ना जो ऑन फील्ड या ऑन जॉब ही मिलता है आप लोगों को, तो हम लोग सभी स्टूडेंट को यही बोलते हैं कि आप लोग जैसे एसईओ खत्म होता है जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दीजिए, वो ओपनिंग्स विपनिंग्स वो सब निकिता आपको बोल देगी, नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड करती है वो, उसका कोई इश्यू नहीं है। और कुछ क्वेश्चंस है क्या आपको, टेक्निकल नॉलेज ये बीकॉम वाला भी करता है, गाइस आई एम मी मायसेल्फ आई एम अ बीकॉम ग्रेजुएट, आई हैव वर्कड विद आईबीएम, आई हैव वर्कड विद विप्रो, और मैं अब यहां पे पिछले 10 साल से काम कर, माय जॉब ओवर हियर इज लाइक आई एम अ डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर ओवर हियर फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स, प्रायर टू दैट आई हैव वर्कड विद विप्रो, एमडॉक्स, आईबीएम, क्लैरियन टेक्नोलॉजीज एज अ डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, एंड फ्रॉम लास्ट 10 इयर्स माय जॉब ओवर हियर इज आई एम प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग्स आल्सो, एंड आई आल्सो डू टू टू टेक प्रोजेक्ट, हम लोग यहां पे प्रोजेक्ट्स भी लेते हैं, उन प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना, स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग का लीड जनरेशन करना, ये सब मैं हैंडल करता हूँ। पूछिए, हाँ क्वेश्चन है मेरे को सर, पूछिए ना, सर आपने आपने जैसा बोला कि आफ्टर एसईओ स्टार्ट अप्लाइंग फॉर जॉब्स, करेक्ट? तो यस यस मेरा जो कॉलेज है ना सर, मैं बीकॉम में हूँ करेंटली, और मेरा कॉलेज इवनिंग कॉलेज है, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ लाइक आफ्टर एसईओ अगर जॉब अप्लाई करना होगा तो? आपको अर्ली मॉर्निंग बैच मिलेगा ना 8 बजे का, अगर आपको जॉब लग गया ना तो अर्ली मॉर्निंग का बैच भी 8 बजे का। ओके, बट फिर वो टॉपिक्स इधर उधर नहीं होंगे ना सर फिर? नहीं फिर आपको ना वो देख के करना पड़ेगा, आपको ना जिस बैच में आपका टॉपिक शुरू हो रहा है ना वहां से करना पड़ेगा, या फिर अगर आपको ऐसे लगता है कि आपका इवनिंग कॉलेज भी है फिर थोड़ा रुक जाइए, वैसे सिनेरियो में अगर आपको इतनी तकलीफ होती रहेगी तो रुक जाइए, लेकिन जो लोगों का भी कुछ काम नहीं है, जो लोग जॉब देख रहे हैं और उन्होंने कोर्स सिर्फ जॉब के लिए लिखा है, तो मैं तो बोलूंगा जॉब मिलती ही आप लोग जॉब लगा लीजिए और बैच दूसरे इसमें शिफ्ट कर लीजिए, उसका कोई इशू नहीं, वो मैनेज करता है, अभी आपके सिनेरियो में आपका कॉलेज भी अभी कॉलेज इवनिंग में है आपका, तो ठीक है फिर आप रुक जाइए थोड़ा सा आपका कॉलेज होने दीजिए और एक बार, या फिर बैच खत्म होने दीजिए, दोनों में से एक कर लीजिए। पर सर सर मुझे अभी वो भी ग्रोथ स्टॉप होएगा, ग्रोथ स्टॉप नहीं होएगा ना सर मेरा इससे लाइक? नहीं, वैसे कुछ नहीं होता है, अभी तो आपका कॉलेज चल ही रहा है, लोग कॉलेज के पास आउट होने के बाद भी 2-2 साल जॉब नहीं देता है लोगों को, आपका तो कॉलेज चल रहा है अभी। रोहित जी पूछिए बट आप, सर अभी सिंस कॉलेज मेरा, मैं अभी जॉब पे नहीं रहूंगा, तो इज इट पॉसिबल दैट कि मैं ऐसा और असाइनमेंट्स कर सकता हूँ आपके थ्रू या फिर? आप वो तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसके बाद ना जब आपका बैच खत्म हो गया ना उसके बाद में तो आप फुल फ्लेज जॉब ढूंढना शुरू कर सकते हो ना, क्योंकि आपका कॉलेज इवनिंग में होगा, तो आप ऐसा जॉब देख लीजिए जहां पे आपको 6:30-7 बजे आपका ऑफ हो जाएगा, उसके बाद में आप कॉलेज कंटिन्यू करो, फिर कोर्स के लिए पूरा रुकिए। रोहित ओके सर, ठीक है सर। जी पूछिए आपका हाँ क्वेश्चन।
हाँ एक्चुअली जो आप बोल रहे जॉब रहेगा वो मतलब इंटर्नशिप रहेगा कि वो जॉब रहेगा नहीं प्रॉपर नहीं क्या देखो रहेगा? ये तो डिपेंड होता है, ओपनिंग्स आती है ना, तो आप अप्लाई करते रहिए, अप्लाई करने के बाद कहीं पे इंटर्नशिप होता है, कहाँ पे फुल टाइम होता है, आपको जहां पे लगता है कि नहीं रोहित मुझे लगता है कि आई एम गुड फॉर इंटर्नशिप, अभी मुझे इसका कॉन्फिडेंस नहीं, आप इंटर्नशिप के लिए, वो कॉल आपका है, वो आप डिसाइड कीजिए, आपको लगता है आपका नॉलेज बहुत अच्छा है, आप फुल टाइम जॉब के लिए चाहिए, वो तो आपके ऊपर अच्छा है अच्छा वो नॉलेज जो की। आप बोल रहे हैं एसईओ, आपका कितने टाइम तक कंप्लीट होता है मतलब एसईओ का एसईओ आई वो थिंक जो 15 दिन में मॉड्यूल खत्म है? हो जाए, 15 दिन लगते हैं एसईओ को, अच्छा, 15 दिन में ये सबसे बड़े टॉपिक जो है और ना जो आपको। इंटर्नशिप रहता है? हाँ हाँ बोलो बोलो। हाँ देखिए 15 दिन का एसईओ का सबसे बड़े टॉपिक सब बोलता हूँ, एसईओ गूगल एड्स, ये दो टॉपिक सबसे बड़े हैं जिसको 15 15 20 20 दिन लगता है, तो डेढ़ आधा कोर्स का टाइम इसमें जाता है, बाकी के सारे फिर टॉपिक्स छोटे हैं, तो आप उसके बाद में इंटर्नशिप अच्छा देखो या फुल टाइम देखो, अगर आपका नॉलेज अच्छा है, प्रैक्टिकल अच्छा करके रखा है, आप इंटरव्यूज में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आपने आंसर कर दिया, तो फिर उनको लगा कि हाँ चलो इसको रोल आउट करते हैं पूरा ऑफर, कोई इश्यू नहीं है, तो ठीक है, अगर उनको लगता है नहीं इसका नॉलेज है लेकिन थोड़ा आधा अधूरा नॉलेज है, फिर वो खुद ही बोलती कि हम लोग आपको एज ए इंटर्न ऑफर करेंगे जिसमें आपको इतना इतना स्टाइपेंड मिलेगा, तो फिर डिपेंड करता है आपके नॉलेज पर। अच्छा यस यस अच्छा मनीषा अच्छा मिताली हाँ देवेन कृष्णा सुबोध पूछिए और हाँ सर सर हेलो। बोला बोला अविनाश। सर वर्क फ्रॉम होम मिल सकते क्या? गाइस वर्क फ्रॉम होम मिल रहा है अभी, लेकिन जरूरी नहीं है कि पूरा वर्क फ्रॉम होम मिलेगा, बहुत जगह पे हाइब्रिड चल रहा है, आपको बोलता अभी फर्स्ट टाइम ये चार बंदे ज्वाइन कर लिया ना उन्होंने, उनको 3 दिन घर पे से 2 दिन ऑफिस जाना पड़ता है, मंडे को और अच्छा वेडनेसडे दो बार जाना सर पड़ता लाइक हाँ है। अभी ओके मैं पुणे से बिलोंग नहीं करता, मैं मुंबई से बिलोंग करता है, पर जो आपका जो ओपनिंग्स रहेगा वो कहाँ कहाँ रहेगा मतलब? ओपनिंग्स आपको पुणे मुंबई के लिए मिलेगा, ज्यादा पुणे अच्छा मुंबई के अच्छा लिए आता है हमारा ओपनिंग्स, बाकी किसी सिटीज के लिए अगर आया तो बहुत कम, अहमदाबाद के लिए तीसरा नंबर अहमदाबाद के लिए आता है, लेकिन अगर आप बोलोगे अच्छा नासिक नागपुर अकोला अमरावती सातारा सांगली वो साइड में नहीं होगी, टू बी ट्रू। देखो अच्छा ठीक है। अभी हमारे पास ओपनिंग्स कैसे आती है आपको बोलता हूँ, अभी यहाँ पे अविनाश आपका कंपनी है और आपकी कंपनी में आपको 4 लोग चाहिए, आपको पता है फ्रेशर स्टूडेंट्स कहाँ पे मिलते हैं, इंस्टीट्यूट्स में, तो फिर वो क्या करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के इंस्टीट्यूट ढूंढते हैं और फिर हमको कॉल करते हैं कि आपका इंस्टीट्यूट ना आपका स्टूडेंट्स है ना तो हमारे पास भेजो, तो ऐसे बहुत सारी ओपनिंग्स आती है हमारे पास, बहुत सारे एचआर के कॉल आते हैं क्योंकि उनको पता था ये कोर्स तो कोई कॉलेज में नहीं है, बराबर ये कोर्स सारे इंस्टीट्यूट में, तो वो जो टॉप इंस्टीट्यूट है ना पुणे के मुंबई के उनको कॉल करते हैं और उनके प्लेसमेंट ऑफिसर को बोलते हैं कि हमें कैंडिडेट्स भेजो, ये हमारा एबिलिटी, ये हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन है, तो फ्रेशर्स के लिए वैसे आता है। अच्छा और अच्छा जो वर्क और फ्रॉम होम है, हाँ ये वर्क फ्रॉम होम सभी जगह नहीं है, बहुत कम जगह पे है लेकिन है वर्क फ्रॉम होम, अभी जैसे साइबिज में है वर्क फ्रॉम होम, 3 बार ऑफिस 2 बार घर पे से या 2 बार ऑफिस 3 बार घर पे से, क्योंकि ये काम के लिए आपको कोई ऐसा सॉफ्टवेयर उठे लगता नहीं है, कोई एक ही मशीन पे रहे सॉफ्टवेयर चलेगा ऐसे कुछ नहीं, आज मैं ये लैपटॉप पूछ रहा हूँ क्योंकि जो भी टूल्स आप सीखोगे ना सारे टूल्स ऑनलाइन अवेलेबल है, तो ये लैपटॉप मैं छोड़ के चला गया नासिक को, वहां पे मेरे भाई का लैपटॉप ले लिया, मैं उस पे से भी काम कर सकता हूँ, कि बाबा ऐसे नहीं इस पे सैप इंस्टॉल है और वही मशीन लेके मुझे घूमना पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं, इसलिए ये वर्क फ्रॉम होम चलता ही काम। अच्छा और आपका एग्जाम्स होते हैं क्या कुछ? हाँ गाइस यहाँ पे गूगल एड्स की एग्जाम्स होती है, हमारे इंस्टीट्यूट का एग्जाम मतलब कोर्स कंप्लीशन का सर्टिफिकेट होता है, लेकिन उसके अलावा गूगल एड्स की हबस्पॉट की ये सर्टिफिकेट की एग्जाम होती है, वो पास करने के बाद में ही सर्टिफिकेट मिलता है और वो एग्जाम तो क्राइटेरिया ऑनलाइन होता कितना मतलब पासिंग मार्क्स चाहिए उसके लिए क्या है, रहता है 80 उसका? 80 पासिंग होता है 80 पासिंग गूगल एड्स, होता है। लेकिन अच्छा अच्छा आपका अगर वो एग्जाम फेल भी हो चलो जाते अच्छा तो आप 1 हफ्ते के बाद 24 आवर्स के बाद वापस अटेम्प्ट दे सकते हो, उसका लिए वो पास करके देखे, ओके ओके। ठीक है ऑनलाइन से आंसर भेजते हैं। सर एक क्वेश्चन है सर, हाँ पूछिए। हाँ आप कोर्स कंप्लीशन के बाद आप सिखाते हो क्या कि लिंक्डइन प्रोफाइल को कैसे ऑप्टिमाइज करने का लाइक फॉर जॉब्स एंड ऑल, आप सिखाते हो वैसे? वो सब इसमें का लिंक्डइन लिंक्डइन के टॉपिक में कवर होगा, हम लोग रेज्यूमे कैसे बनाया जाता है, रेज्यूमे में क्या क्या ऐड करना है, कौन से प्रोजेक्ट है वो सब कवर करेंगे। यस इंटरव्यूज में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप लोगों को, कैसे आंसर करना, वो सब सेशन होते हैं ना, वो मतलब बैच के साथ ही चलते हैं, मैं जब सिखाता हूँ ना उसी समय सिखाता हूँ, जैसे गाइस ये टॉपिक सिखा रहा हूँ आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है इंटरव्यूज में, ऐसे सिखाते सिखाते ही मैं बोलता हूँ, एंडिंग एंडिंग में भी हम लोग ऐसे सेशन रखते हैं, उसका कोई इशू नहीं। सर आई हैव वन डाउट, यस सुष्मिता जी लाइक आई एम गोइंग टू अटेंड क्लासेस ऑनलाइन, सो लिंक कब मिलेगा, लाइक द लिंक डे एक ही रहता है, एंड आपको एक ही बार लिंक आएगा, वही लिंक रोज यूज करना है, ओके थैंक यू सर। और आपका व्हाट्सएप का ग्रुप होगा, आपने कोई बोल दिया कि मेरे से लिंक डिलीट होगा प्लीज प्रोवाइड मी द लिंक, इमीडिएटली निकिता वो लिंक डाल देगी ग्रुप, वो लिंक ग्रुप पे रहेगा, ओके एक्सेस करना, वो एक ही लिंक, रोज लिंक चेंज होगा ऐसा कुछ नहीं होता, लिंक एक ही रहता है। ओके सर, नो रोज आपको प्रॉब्लम। ये सेशन मान लीजिए 10:30 का हो गया आपका, तो आपको शाम तक उसका रिकॉर्डिंग आ जाता है, फिर वो रिकॉर्डिंग आप जितनी बार देखना चाहोगे उतनी बार, ये जो अभी सेशन हुआ ना बराबर यही सेशन का सेम रिकॉर्डिंग आपको आ जाएगा, तो आप जितनी बार आगे पीछे करके जो भी टॉपिक आपको देखना है 10 बार स्क्रीन के ऊपर कैसे कहाँ से करके दिखा था आप देख सकते हैं।
और जैसे मैंने बोला क्लासरूम वाले लोगों को अगर कल लगता है कि नहीं मुझे पॉसिबली लेट हो रहा है, बालाजी शाही आ रही, मैं क्लास को नहीं आ पाऊंगी, आप ऑनलाइन अटेंड कीजिए। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं उनको लगता है नहीं मुझे क्लासरूम में जाके ये टॉपिक्स के लिए मुझे क्लियर करना है सामने सामने बैठ के, आप क्लासरूम आ जाइए। तो सर फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा उदय का ही कारण तुमके घर में एक फंक्शन है, तुम्हारा घर थामा लगता है, तुम बैच पर अटेंड करेंगे, घर ही अटेंड करा, पर दूसरे विषय क्लास का आपको लगता नहीं आपके यहाँ पे बारिश गिर रहा है बहुत जोर से, तो नहीं मैं आज उल्टा नहीं करी क्लास को, मैं घर पर से अटेंड कर रही थी। सेम ये लोग जो सामने बैठे हैं ये सब ऑनलाइन है और आप लोग क्लासरूम में बैठे, ऐसा हाइब्रिड सिखा रहा हूँ। जो लोग ऑनलाइन बैठे आ जाइए क्लासरूम में, 15 लोगों का कैपेसिटी है हमारे पास बैठने का, कहतेगा मुझे एकदम फ्लेक्सिबल होगा तुम्हारा रेकॉर्डिंग भेटतील रिपीट करा, आणि आता मी ट्रेनिंग देतो त्याच्यावर तुम्हाला थोडासा अंदाज येईल टीचिंग का क्वालिटी वगैरह, एक फॅकल्टीचं कॉन्फिडन्स नॉलेज या तुम्ही गोष्टी टेस्ट करू शकता, त्याचा काही प्रॉब्लेम नाही। तुम्ही मार्केटमध्ये तुमचे मित्र कोणी असतील जे डिजिटल मार्केटिंग मध्ये काम करतात, जो अभी आपके दोस्त होंगे डिजिटल मार्केटिंग में काम करने वाले, उनको पूछ सकते हो स्कूल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कैसे इंस्टॉल है, बिकॉज वी आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि बाबा वी हैव ट्रेन्ड अ लॉट ऑफ पीपल एंड वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ गुड रिव्यूज, वी गॉट अ लॉट ऑफ रेफरल बिजनेस फ्रॉम द एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स, तो उसका टीचिंग का कोई इशू नहीं है, ये मैं तुम्हारा एज अ फ्रेंड एकदम गारंटी दे जैसा तुम्ही का टेंशन नाही। अच्छा, सर जे तुम्ही टॉपिक सांगितले ते सगळं डिटेल मध्ये कव्हर करतील बोलता हो म्हणजे. ते तुम्ही वेबसाइट ला चेक करा, ब्रॉशर मध्ये चेक करा, सगळे टॉपिक्स डिटेल मध्ये तिथे पण मेंशन ओके केले आहेत, ओके. तुम्हाला कुठे काय वाटलं तर निकिताशी बोल। आणि आणि सर तुम्हाला जॉब भेटून जाईल त्याचं काही गडबड नाही, जॉब भेटतात भरपूर ओपनिंग, फक्त प्रॅक्टिकल वरती जास्त जोर द्या, ते केलं ना तुम्हाला जॉब भेटलं काही अवघड नाहीये, ह्याच्यामध्ये काय तुम्हाला खूप जास्त असे अल्गोरिदम शिकवायचे काही नाही, तुम्हाला मार्केटिंगच्या स्ट्रॅटेजीज कळल्या पाहिजे किंवा कुठल्या वेळेस काय करायचं हे सगळं आम्ही कव्हर करतोय, फक्त थोडासा काही काही लोकांना थोडासा वेळ लागतो, प्रत्येकाची ग्रास्पिंग पॉवर वेगळी असते, काही लोकांना लगेच कळतं, कुछ लोगों को एक दो बार रिपीट करने के बाद समझ में आता है ये, लेकिन समझ में आएगा, ऐसा कुछ आपको रॉकेट साइंस नहीं है कि कोडिंग बड़ी गलत कुछ लगता ही नहीं। हाँ नहीं है, नहीं है गाइस, कोडिंग बिल्कुल नहीं है यार, नहीं है। ये देखो डोमेन होस्टिंग दिखा होगा मैं आप लोगों को, डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होता है, वेबसाइट लाइव लेके देखिए ये सारी वेबसाइट, हाँ ये सारी वेबसाइट ये डोमेन होस्टिंग के लिए गोडैडी, मैं आप लोगों को ये गोडैडी के साइड है एक वेबसाइट आपके लिए, उस आपको किसी को पर्सनल चाहिए होगा तो वैसे भी देते हैं हम लोग, वेबसाइट लेके उसको लाइव कैसे करते हैं, होस्टिंग कैसे बाय किया जाता है, लिंक कैसे किया जाता है, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल किया जाता है, ये सारे टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे करते अच्छा, तुम्हारा सर, तुम चाहते मतलब रिकॉर्डिंग फाइल असेल ना कुणाला तो आप निकिता के साथ बात कर लो, हम लोग आपको कुछ प्रीवियस रिकॉर्डिंग भी भेज देंगे, ये देखो यहाँ पे सारे रिकॉर्डिंग्स आते हैं, ये जूम लिखा है फोल्डर, ये डेट वाइज दिख रहा, ये 16 तारीख का अच्छा रिकॉर्डिंग, ये ऐसे सारी रिकॉर्डिंग्स आती है, एटीएम बैच का रिकॉर्डिंग ये, तो ये सारे रिकॉर्डिंग्स आप लोगों को चाहिए होगी, दो तीन रिकॉर्डिंग्स देखने होंगे तो आप देख सकते हो, जैसे मैं एक रिकॉर्डिंग में शुरू करता हूँ सर, लाइव प्रोजेक्ट्स पर आस्था ना हो, ये किती देखो असतात ते? दोन ते तीन असतात। बाकीचे बरं बॅचची बरं मुलं तेवढ्या लवकर यायची नाही, आणि ते यादव अंकल पण ऍक्च्युली उघडाची सम क्यू कर रहे, ठीक बरं आहे। सायली सायली आप देखा होगा आपने, यस ये देखो अभी ठीक है, ये अभी फोन अकाउंट नंबर डाल डालो। रहा हूँ, इस कौन सा डालना है, ना सर अकाउंट लॉगिन एसी तो भी अच्छा बगीचा ना तेरा रिकॉर्डिंग आपको मैसेज बिजनेस को सर, जॉब मध्ये काही टार्गेट वगैरे असते का ते अंडरस्टूड जॉईन झाल्यानंतर? नाही ह्याच्यात नाही आहे, तुम्हाला सेल्स वाल्यांना टार्गेट असतं, मार्केटिंग वाल्यांना नाही, मार्केटिंग वाल्या लोकांचं काम लीड जनरेशन असतं, लीड आल्यानंतर तिला पुढे नर्चर करणं तिला कन्वर्ट करणं ते पूर्ण सेल्सच्या टीम कडे असतं। अभी मैंने कोलते पाटिल बोला डीवाय पाटिल के लिए लीड निकाल के दिया, लीड को कॉलिंग मैंने नहीं किया, लीड को कॉलिंग के लिए उनकी टीम के पास भेज दिया जो सेल्स वाली टीम है, मैं नहीं करता हूँ, मैंने सिर्फ ऑडियंस कौन सा कौन सी एड कॉपी कौन से टाइम पे लगाना है वो सब स्ट्रेटेजी में रहता, लीड निकलने के बाद में फिल्टर करके आप कॉलिंग करते बैठो और उसमें से कन्वर्जन आप कर, मैंने आपको लोग लाके दी, वो ऐसे आपका काम हो। तो ये देखो ये गोडाडी है बहुत पॉपुलर साइट है, आपने इसकी एड्स भी देख रही है बहुत, तो इस पे से कैसे डोमेन होस्टिंग बाय किया जाए ये सब कवर हो, कोई टेंशन नहीं। सर आप डोमेन प्रोवाइड करते हो सर, यस 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 और उसका डोमेन वैलिडिटी कितना वर्थ इट, टाइम तक रहता है? क्या इसका इसकी आप वैलिडिटी लोगों को डोमेन 1 साल की देता है, ओके सर. आप जब भी चाहिए तब आप उसको यूज कर सकते हो। हाँ गाइस हाँ दो मुझे बोल के देखो ना हेलो हाँ हाँ
So guys, if you have any questions, you can ask me. Otherwise, I am done from my end. मेरी साइड से तो हो चुका है. क्लासरूम वाले निकोनी का प्रश्न अभी चला. कई इतने प्रश्न. हाँ. बोलो सर क्या कल डाउट्स क्लियर हो गए. हेलो सर. यस बोलिए. हाँ सर, एजुकेशनल गैप असेल तर काही इम्पॅक्ट पडतो का इंटरव्यू? गाइस हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछते कि गाइस डिजिटल मार्केटिंग इज बेसिकली अ स्किल बेस्ड जॉब. दिस इज नॉट डिपेंडेंट, दिस जॉब इज नॉट बेसिकली ऑन योर बैकग्राउंड एजुकेशन. दिस इज अ स्किल बेस्ड जॉब और डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स मतलब लोग अभी अभी एक्वायर करना शुरू कर रहे हैं. अगर आप देखोगे ना तो इसके लिए आपका बैकग्राउंड एजुकेशन ज्यादा मैटर नहीं करता है. तो अगर आपका गैप भी होगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होता है जिन्होंने 5 साल पहले जॉब किया था, बाद में शादी हो गई, बच्चे हो गए, उसके वजह से नहीं प्रॉब्लम और अभी वापस कर रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं. यू बट ओनली थिंग इज लाइक यू विल बी कंसीडर्ड एज अ फ्रेशर इस इंडस्ट्री में, बस. पर ऐसा कई प्रॉब्लम नहीं, अभी 2 वर्ष 3 वर्ष पूरी जॉब खेलता हूँ. ग्रेजुएशन 2019 से मेरा ग्रेजुएशन हुआ है, अभी मैं अभी जॉब देख रहा हूँ, उसका कुछ इशू नहीं. यस पूछिए. और मालिनी सुबोध अविनाश. यस सर, एक्चुअली वर्क फ्रॉम होम ची अपॉर्च्युनिटी कशी आहे? बिकॉज मी रिलोकेट नाही होऊ शकत ना, त्यामुळे. मतलब शेअर मार्केट ट्रेडिंग. मैंने यहाँ पे आप लोगों को कौनसा ट्रेडिंग के लिए बात कर रहा है? मैंने आपको पहले ही बोला यहाँ पे कि जॉब अपॉर्चुनिटी जो है, ऑन जॉब वगैरह का जो बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ना, ये कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है. बहुत सारी कंपनी चाहती है कि लोगों को ऑफिस में बुलाए. बहुत सारे लोग ओपन होते हैं कि ठीक है 2 दिन आप वर्क फ्रॉम होम करो, 3 दिन आप ऑफिस को. बहुत सारी कंपनी ऐसी भी होती है जो कंप्लीटली वर्क फ्रॉम होम दे देती है. तो ये डिपेंड है, आप ऐसे जॉब्स के लिए अप्लाई कीजिए जहां पे पहले ही बोल दीजिए कि मैं वर्क फ्रॉम होम देख रही हूँ. अगर वो हाँ बोलते तो ठीक है, वरना इंटरव्यू मत दीजिए. वरना इंटरव्यू दे दोगे, अगर क्रैक किया बाद में समझा कि नहीं ये तो ऑफिस में जाना है, तो पहले ही बोल दीजिए कि मुझे वर्क फ्रॉम होम ही चाहिए. लेकिन वर्क फ्रॉम होम भी ले लिया ना, तो स्टार्टिंग में आपको 1 हफ्ता 2 हफ्ता तो वहां पे जाना पड़ेगा, ट्रेनिंग भी नहीं के लिए तो जाना पड़ेगा. हाँ, उतने दिन जा सकते हैं, 2-4 महीना अगर जाना पड़ा तो जा सकते हैं, लेकिन परमानेंट नहीं जा सकते ना. परमानेंट नहीं, लेकिन आप फिर वैसे टाइप की जॉब्स देखिए, वैसे भी जॉब्स है, लेकिन मैं बोलता हूँ अगर 10 जॉब्स है ना, तो ऐसे वर्क फ्रॉम होम परमानेंटली 2 ही जॉब्स मिलेगी. 8 जॉब्स में से 5 जॉब्स आप लोगों को जॉब पे बुलाएंगे, 3 जॉब्स ऐसे रहेंगे जो हाइब्रिड होंगे. और मतलब दिस इज द रेशियो, दिस इज हाउ द रेशियो इज. इफ यू अप्लाई फॉर 10 जॉब्स ना, 10 जॉब्स में से आप लोगों को 10 जॉब्स में से आपको 5 जॉब्स ऐसे मिलेंगे जो वर्क फ्रॉम ऑफिस रहेगा, 3 जॉब ऐसे रहेंगे वर्क फ्रॉम होम, हाँ हाइब्रिड, और 2 ही ऐसे रहेंगे जो पूरा वर्क फ्रॉम होम होंगे. तो ऐसा रेशियो इसका. सो टुमारो आई विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स ऑफ द यस. मैं वीडियो एंड इमेज ऐड आहेत, ते आपल्याला बनवायला शिकवणार आहे का फक्त त्या कशा बूस्ट म्हणजे अभी नेस्कैफे का ऐड है, बारिश सीजन चल रहा है ना, नेस्कैफे नहीं अब वो वीडियो थोड़ी मैं रिकॉर्ड वीडियो कर दूंगा, वो मेरा काम नहीं है. वीडियोग्राफी का टीम होता है, वो वीडियोग्राफी का टीम वीडियो बना के मुझे फुटेज दे देगा, वो फुटेज मैं अपलोड करके फिर किसको ये ऐड दिखाना है, ये सब मैं टारगेट करूंगा. मुझे कोई इमेज दिखाना है तो इमेज मैं नहीं क्रिएट कर दूंगा, इमेज के लिए इमेज का क्रिएटिव टीम होगा. तो ये सारा कॉन्टेंट आपको मिलता है, आप लोग इसको यूज करके बनाते हो. वेब डिजाइनिंग इज नॉट द पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग. वेब डिजाइनिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट. पेजेस क्रिएट करना वेबसाइट की, आपको वेबसाइट पे कोई फंक्शनलिटी ऐड करना, वो वेब डिजाइनिंग में आता है. पर वर्डप्रेस एक इतना इजी वेबसाइट है ना, वर्डप्रेस सीएमएस, जिसमें आप खुद को, आपको अगर वेब डिजाइनिंग आता भी नहीं है ना, लेकिन तभी भी आप वेबसाइट बना पाओगे. तो वही तो उसी तरह से सिखाते हैं ना. वर्डप्रेस सबसे ज्यादा यूज करने वाला किया जाने वाला सीएमएस है आज के डेट में. More than 50% websites are now in WordPress because usme if you don't have any technical knowledge also then also you can make a website. So okay, tumhara kal pan tumse lakshya hai, aap ek cheez dhyan mein rakhiye, aap digital marketer ka class kar rahe ho, web designing, digital marketing, coding aur bidding ye sab aap bhul jaiye, kyunki this is not. Ab main aapko mera experience bolta hu, mujhe website pe kuch changes karne hai, mere khud ki website pe, hamare school of marketing mujhe kuch changes karna hai, major changes karna hai, to main khud nahi karta, main idea deta hu ki mujhe yahan pe ye chahiye, yahan pe chahiye, mere paas developer hai जो करके देता है. मुझे ये इमेज, मुझे लगता है ये इमेज यहाँ पे ऐसे लगानी है, तो ये इमेज के लिए मेरे पास एक क्रिएटिव कटिंग है. हाँ सर, लेकिन पेज पे कहाँ पे क्या रखना है, कहाँ पे कौन से बटन रखने हैं, कहाँ पे कैसे स्ट्रेटजी रखना है, बटन ऊपर क्या रखना है, नीचे क्या रखना है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या डालना है, वो सब मैं प्लानिंग करता हूँ. लेकिन उसको एग्जीक्यूशन करना के लिए भी मेरे पास अलग अलग लोग है. करुण साहब कहीं अवगढ़ नहीं है, भरपूर लोग करना पड़े. और पहले 2-3 लेक्चर्स हैं स्टार्टिंग के, आपको थोड़ा सा ऐसा कन्फ्यूजन होता है, नंतर 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 पूर्ण गोष्टी तुम्हारा कहना शुरू हो जाता. तो आप लोग डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो,
आप अभी भी जाके कोई भी प्रोफाइल देख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग की प्रोफाइल्स में, आप लोगों को यहाँ पे कोडिंग करना और पेज डिजाइन करना कोई नहीं पूछेगा। व्हेन यू गो इन वर्क विद अ कंपनी ना, वहां पे जाओगे ना आप देखोगे ये कौन है, ये कंटेंट राइटर, ये कौन है, मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, ये कौन है, ये वेब डेवलपर है, अच्छी लोग का सर कंपनी का। समझ में आ रहा है? जैसे शादी है, शादी जब होती है ना तो एक केटरिंग वाला होता है, वो केटरिंग का काम करता है, मेकअप आर्टिस्ट का काम करता है, वीडियोग्राफर वीडियोग्राफर का काम करता है, स्टेज वाला स्टेज, वो सब लोग मिलकर एक इवेंट क्रिएट करते हैं शादी होगी। तो दिस इज हाउ द वेबसाइट इज ऑल्सो वर्क्स। वेबसाइट के लिए डेवलपर लगता है, डिजाइनर लगता है, इमेजेस के लिए क्रिएटिव का बंदा लगता है, वेबसाइट को मार्केट करने के लिए डिजिटल मार्केटर लगता है, ये सब लोग मिलकर ड्राइव करते रहता है। तो आपका प्रोफाइल डिजिटल मार्केटर करेगा, आपको कोई बोलेगा नहीं कोडिंग वोडिंग करते बैठे, वो आपका काम नहीं। ओके गाइस, कल्याणी, मालिनी, अविनाश, काजल, आरान, अभिषेक, कृष्णा, मिताली, ओम, देवन, श्रद्धा, अभिषेक, सुबोध जी, आई एम डन फ्रॉम माय एंड गाइस, सो टुमारो आई विल बी स्टार्टिंग द सेशन एट 10:30। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, माय नंबर इज, इफ यू हैव एनी टेक्निकल क्वेश्चंस, एनी टेक्निकल क्वेश्चंस, 9850406389 ये मेरा नंबर है, माय नेम इज रोहित चिलवंते। So if you have any technical questions, you can WhatsApp me, call me on this number. Only for technical questions. Fees कितना है और फिर batch का timings क्या है? असल सर ठीक कर लिखी था तब विचर तुम यहाँ से लगा के पर विचर दिल batch का timing क्या है बता तो पुरी पर सांगी अरे तो पर सांगी तो चार बार पांच batch की timing है 8 से 9:15 10:30 to 12:30 2 से 4 4 से 6 7 से 9 और batches Monday to Friday होता है, Saturday Sunday batch नहीं होता है। अब कुछ कुछ इंस्टीट्यूट बोलेगी आपको 4 महीने का कोर्स हमारे यहाँ पे तो 2 ही महीने का, तो वहां पे देखोगे ना तो मंडे वेनसडे फ्राइडे ऐसा बैच देगा, बहुत जगह पे ऐसे भी करते हैं, ड्यूरेशन ज्यादा दिखाता है। मैं तुम्हारा एकदम फ्रेंडली एकदम मित्र सर के साथ करके मार्केट में दिखाई जाने का स्टूडेंट लोग फसल में खूब चली नक्की कर्ज नहीं रुक नक्का है। हा कोर्स कंप्लीट करा तुम्हारा 8 से 3 महीने लगते ना तुम्हारा लई एक्सपर्ट नहीं वैसे कारण की तुम्हारा सांगतो बेसिक्स शिकून तुम्ही जॉबला लागून जाओ, जॉबला लागले ना आपोआप तुम्हाला आपली इंडस्ट्री हळूहळू कळायला सुरू होईल किंवा किती गोष्टी। त्यामुळे या कोर्सला लई 1,00,000 फीज आणि 70,000 फीज एवढी काही घालवायची गरज नाही, 15,000-20,000-25,000 पर्यंत करा त्याच्या जास्त या कोर्सला पैसे घालू नका। तुम्ही इथं ऑनलाईन करा, ऑफलाईन करा, कुठूनही करा, पण प्रॅक्टिकल खूप महत्वाचे आहे। द प्रॅक्टिकल द मोर प्रॅक्टिकल द मोर इझी इट वुड बी फॉर यू बिफोर यू पीपल टू गेट अ जॉब। जितना कम प्रैक्टिकल्स उतना आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। और कोई भी इंस्टीट्यूट से आप कर लो, कोई भी इंस्टीट्यूट से कोई देखेगा नहीं ये सिंसियर क्या बोले, आपका नॉलेज देखा जाता है सिंपल। एक्चुअली आपका कंपनी है आपका और आपके दोस्त का, आपको हायरिंग करना है पूना में 10 इंस्टीट्यूट, आपको इंस्टीट्यूट के नाम से नहीं देखोगे आप कैंडिडेट आने के बाद उसको उसको मेरा काम आता है कि नहीं वो देखना। तो ये सभी जगह सेम रूल है, मेरे पास गूगल सर्टिफिकेशन है, मेरे पास 10 गूगल, अरे वो ठीक है इंटरव्यू देते हैं, ये बताओ ये असाइनमेंट सॉल्व करके देखते हैं आपका थॉट फ्लो कैसे है, अगर उनको सही लगा तो ठीक है शिका प्रैक्टिकल पे ज्यादा जोर दो। बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में होता है मेरे को 10 सर्टिफिकेट चाहिए दिखाने के लिए, 10 सर्टिफिकेट जितना दिखाओगे उतना आपका इंटरव्यू टफ हो जाएगा, उसको लगेगा अरे 10 सर्टिफिकेट कैरी करा मतलब इसको इतना नॉलेज है। तो नॉलेज पे जोर ज्यादा दो, प्रैक्टिकल्स पे ज्यादा जोर दो, थॉट फ्लो कैसे रखना है, स्ट्रैटेजीज, ये सब कवर हो जाएगा। आप लोग भी आपके साइड से देखिए, और 2 घंटे का क्लास लगाया मतलब पूरा का पूरा डिपेंड है हम लोग स्कूल ऑफ मार्केटिंग पे या रोहित पे ऐसा, आप लोग भी आपके साइड से 1.5 घंटा खुद का यूट्यूब पे रिसर्च ये करना वो करना असं तुम्ही पण करत जाओ तेव्हा शिकता अजून भरा भरा ठीक है guys? So I'm done. सर क्लासेस मंडे टू फ्राइडे होता है ना सर? यस यस मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे नहीं होता, वीकेंड बैचेस नहीं है, वीकेंड बैचेस पहले थी लेकिन अभी मंडे टू फ्राइडे इतनी बैचेस आ चुकी है सुबह 8 बजे का शाम के 7 बजे का ऑनलाइन, इसलिए वर्किंग प्रोफेशनल्स कोई ना कोई बैच में भी अटेंड कर ले। तो पहले ऐसे होता था कि लोग वीकेंड पे आते थे, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते थे ना वो वीकेंड पे आते थे सैटरडे संडे, लेकिन वो बैच का क्या होता है मंडे टू फ्राइडे गैप, सैटरडे संडे सीखो वापस नेक्स्ट सैटरडे संडे, बीच में कोई आ गया छुट्टी तो 2-2 हफ्ते का गैप हो जाता था, लिंक नहीं लगता था, तो उसी दिन मैं तो आपको बोलूंगा ये रेगुलर बैच ही करो ठीक है। आमच्याकडे जे प्रोजेक्ट होता आप हमारे पास जो प्रोजेक्ट है उसपे आपने अगर रेगुलर काम किया तो उसका हम लोग आपको एक्सपीरियंस लेटर भी देता है। वो सारे प्रोजेक्ट्स आप लोग आपके रेज्यूमे मेंशन करो जो आपको और इजी करेगा जॉब के लिए, क्योंकि नॉर्मली जॉब पे लोग क्या देखता है इसने काम तो किया है कोई वेबसाइट पे, मतलब इसको बेसिक से बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको आता है काम थोड़ा बहुत उसको ब्रशअप कर गया, ऐसा अगर आपका प्रोफाइल बन गया तो सिलेक्शन का बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ गया। और सैलरी फिर वहां पर इंटर्नशिप का आपका स्किप हो जाएगा डायरेक्ट, आपको डायरेक्टली 15,000-14,000 ऐसे पलट, लेकिन अगर आप पूरा फ्रेशर मैंने कुछ भी काम नहीं किया सिर्फ थेरी आता है मुझे फिर आपको बोले कि बैठ इंटरनेट के लिए 3 महीने थोड़ा काम कर हमको कॉन्फिडेंस आने दो फिर हम लोग आपका सारे बढ़े, उसलिए आप प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करो, हमारे पास जो 3-4 वेबसाइट्स है उस पर काम करो, वो सारे जो काम करते हो उसका एक अलग सा डॉक्यूमेंट बनाओ कि इंटरव्यू के लिए जाओगे ये मेरा रेज्यूमे और ये प्रोजेक्ट्स पे काम किए ये सारा डिटेल एक डॉक्यूमेंट
तो वो बहुत ज्यादा अच्छा अप्रोच दिखेगा आप लोगों को, एकदम पॉजिटिव क्या बंदे ने रेज्यूमे दे दिया, इन सारे प्रोजेक्ट्स के डिटेल दिए इसने कि इसने ये काम किया, तो उसी प्रोजेक्ट पे आपको क्वेश्चन पूछेगी ये क्या किया, वो क्या किया, उस पर क्या किया, इस पे क्या किया, कौन सा टूल यूज किया, पर आप जैसे जैसे आंसर करोगे उनको समझ में आता है कि इसने रियल में काम किया ये, और फिर उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है यस गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, टुमारो एट 10:30 आई विल बी स्टार्टिंग, ओके, थैंक यू, ओके सर, थैंक यू।